अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, महकी मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ होंगे। सबसे पहले मैं अपने चश्मों की जो है वजाहत कर दूं। यहाँ पे मेरी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर है, मज़ीद कमज़ोर होती जा रही है, तो कभी कभी आपको जो है मुझे ऐसे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, होता है। मैं तो सबको कहती हूँ जिनको भी ग्लासेस लग जाती हैं बच्चों को, कि इन्हें एज एन एक्सेसरी जो है अपने साथ लेकर चलें और मेरी तरह ग्लासेस पहनने में जो है कमी ना करें जब आपको लग जाए पहने, वरना मज़ीद कमज़ोर होती जाएंगी आपकी नज़रें। आज का शो हमारा एक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, और वो टॉपिक जो है वो सारी बीमारियों की जड़ है, सारे कॉम्प्लेक्सेस की जड़ है, हर मैं कहती हूँ बॉडी एक की जड़ है। और वो चीज़ क्या है? वो है मोटापा। मोटापे से ना सिर्फ तो आपका जो है बॉडी में सारी चेंजेस आती हैं और आपके जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं और खाना पीना जो है आपका अनहेल्दी होता है, हार्ट डिजीज़ होती हैं, उससे हर किस्म का ऑर्गन के ऊपर जो है प्रेशर होता है, बल्कि मोटापे से डिप्रेशन भी होता है, दिमागी भी जो है आपको इस पर असरात होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप मोटे हैं और आपके रिश्ते नहीं आ रहे या आप कहीं पर चल के नहीं जा सके तो आपको इस बात का डिप्रेशन हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से रिलीज़ नहीं होते हैं, जिससे जो है आपकी खुशी कंट्रोल होती है। मैं पहले भी बड़ी बहुत दफा कह चुकी हूँ, लव हॉर्मोन्स जिनको कहते हैं, उनका एग्जैक्ट नाम क्या है, मेरे पास डॉक्टर्स आ रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे। तो जो चीज़ें, जिस तरह जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें आपके जो है हैप्पी हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और उससे आपकी एनर्जी भी, एनर्जाइज भी आप फील करते हैं, खुश भी आप फील करते हैं, आपका मूड भी अच्छा होता है। लेकिन जब आप मोटे होते हैं तो इतनी ज़्यादा चर्बी होने के तहत वो हॉर्मोन्स जो हैं आप पे अच्छी तरह असर नहीं कर सकते। बजाय इसके कि आप खुश हों, आप जो है उसी कंडीशन में रहते हैं और आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आज का हमारा पूरा शो जो है वो किस तरह आपने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वेट लूज़ करना है बगैर अपने आप को नुकसान दिए हुए, क्योंकि कुछ इस तरह की रैपिड एक्सरसाइजेज हैं, कुछ इस तरह की रैपिड डाइट्स हैं, डाइट्स बहुत ख़तरनाक किस्म की, जिससे आप वेट कम और सेहत ज़्यादा लूज़ करते हैं और आप कमज़ोर हो जाते हैं और वो एक्चुअली नुकसानदेह होती हैं। तो बहुत ही हेल्दी तरीके से किस तरह आपने मेनटेन रखना है अपने आप को, इसकी हम बात करेंगे। फिटनेस की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारी अपनी पाकिस्तानी समर खान जो हैं उन्होंने दो रिकॉर्ड कायम किए हैं। एक तो ये कि उन्होंने पहली दफ़ा दुनिया में, वो पहली खातून हैं जिन्होंने ग्लेशियर के ऊपर साइकिल चलाई है। आप सोचें, मेरे जैसे लोग सीधी सड़क पे साइकिल नहीं चला सकते, अभी तक नहीं सीखी, उन्होंने ग्लेशियर के ऊपर बर्फीले पहाड़ पे जो है साइकिल चलाई है। और ना सिर्फ ये बल्कि वो इस्लामाबाद से ग्लेशियर तक का सफ़र जो है वो भी उन्होंने बाय साइकिल ही कायम किया है। अब एक तरफ हम मोटापे की बात करें और एक तरफ आप जो है फिटनेस की इंतहा देखें कि यहाँ से लेकर इनको वहाँ पर गिलगित के जो मौसमियात जो आगे बताते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं, उन्होंने वार्न भी किया कि इस वक्त जो है, और अगर आपको पता हो कि रीसेंट कुछ हफ्तों पहले ही वहाँ पर लैंडस्लाइड्स भी हुई हैं और उसकी वजह से बहुत ही जो है मुश्किल था वहाँ जाना और मना किया गया था, बहुत ख़तरा जो है उन्होंने वार्निंग दी हुई थी कि यहाँ पर मत आए, पर उसके बावजूद ये वहाँ गई हैं और शौक का कोई मोल नहीं, ये कहते हैं कोई लिमिट नहीं होती, तो वो गई हैं वहाँ पर, उन्होंने अपना एडवेंचर जो है वो पूरा किया है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वुमन टू साइकिल ऑन अ ग्लेशियर का जो है रिकॉर्ड कायम किया है। तो सोचिए कितने मज़े की बात है। एक और आपके साथ जो है पाकिस्तानी न्यूज़ ही शेयर करती चलूँ। आप सबने वैसे सुना होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितनी पुरानी बात है, लेकिन कुछ अर्सा पहले हमारे जितने भी पंजाब में पुलिस ऑफिसर्स हैं, अगर आपने देखा हो तो माशाल्लाह काफ़ी खुशबाश होते हैं। कहते हैं कि अगर आपने देखना है कि एक मर्द कितना खुश है तो आप उसके पेट का साइज़ देख लें। तो के वैसे भी कहते हैं कि जो ख़वातीन होती हैं वो किस तरह अपने मियाँ का दिल जीत सकती हैं उनको अच्छा खाना खिलाकर। तो कुछ इस तरह के पुलिस ऑफिसर्स से जिनकी जो है पेट तोने बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी, तो एक उन्होंने लॉ जो है बनाया इन सब के लिए कि आपकी वेस्ट जो है वो 38 से नीचे नीचे होनी चाहिए है। अब आप सिर्फ ये सोचें कि 38 साइज़ जो है वेस्ट का वो भी कोई छोटा साइज़ नहीं होता, लेकिन ये रूल उन्होंने बनाया कि 38 से कम होनी चाहिए। और एक और रूल था कि ड्यूटी पे आते वक्त आपने 15 से 20 मिनट की वॉक करके आना है, क्योंकि आपने अपने वेट को कंट्रोल में रखेंगे तो ही, अभी अगर आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पे, तो आप अगर गेस कर सकें कि ये क्या साइज़ है वेस्ट का, तो मैं आपको मान जाऊँगी। लेकिन ये इसको जो है इन्होंने कहा था कि आपने 38 से नीचे नीचे, अब सोचा अगर कोई चोर भाग जाए इनके सामने तो क्या होगा? फिर हम कहते हैं कि क्या मतलब हम लोगों के क्या हालत है उसकी पकड़ने की या कानून की। तो खैर,
मजाक अपनी जगह, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट, स्पेशली फॉर पीपल जो इस तरह के प्रोफेशंस में हैं, जो इतने एक्टिव प्रोफेशंस में हैं, जहां पर आपको कहीं पर भी जो है दौड़ लगानी पड़े किसी क्रिमिनल के पीछे. सो यू हैव टू बी फिट, एंड 38 इज स्टिल बिग साइज, तो हमारा जो लॉ है वो भी थोड़ा सा लीनियंट है. तो आज भी हम मोटापे पर ही बात कर रहे हैं, कुछ हंसी मजाक भी होगा, कुछ सीरियस बातें भी होंगी, और यहाँ पर बेसिकली हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको कोई ना कोई ऐसा सबक सिखा सकें जिससे आपका वेट जो है वो जल्दी लूज हो जाए. आपके लिए मेरा कॉलर क्वेश्चन आज ये है कि मोटापा किस तरह बायस जहमत बनता है आपके लिए. आप किसी को जानते हों या आप मुझे बताएं, अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के केसेस देखें तो ऐसे केसेस भी हैं जहां पर जोड़ जो हैं आपके जो नीज होती हैं वो काम ही करना छोड़ देती है, बिकॉज वो आपका अपना वज़न नहीं उठा सकती. और यहां पर हम इतने ज़्यादा नुकसान शेयर करें तो एक फ़नी बात भी आपसे शेयर करूं कि बाहर जो है, मुझे एग्जैक्टली कंट्री नहीं याद कहां पर, एक खातून जो है वो 20 मंजिला, आई थिंक सो 15 से 20 मंजिला छत उससे जो है अपार्टमेंट से वो गिर गई, और वो सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि उनके ऊपर जो है उनका फ्लैश और उनका मोटापा और चर्बी इतनी ज़्यादा थी कि वो इम्पैक्ट जो है वो उनकी हड्डियों तक नहीं पहुंच सका. आप सोचें कि ये भी जो है एक वो है, अगर वो इम्पैक्ट नहीं पहुंच सका तो एक्सरसाइज कितनी मुश्किल से पहुंचती होगी ये भी आप सोच लीजिए. तो बड़ा मुश्किल है इतना वेट गेन ना करें, लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है. आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूं, हमारे साथ होंगे AR जैदी साहब. आज हमारा जो है दूसरा क्रिकेट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, पहला मैच है टेस्ट का, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग. मैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है टेस्ट की, जहां पे मैं बात करती हूं, टेस्ट में हम नंबर 1 पे आ गए हैं वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में, और वनडे में हमारा क्या हाल है ये भी हमने देखा ही है. तो आज हम बात करेंगे कि क्या ये जो कंट्रास्ट है हमारे टेस्ट क्रिकेट में और हमारे वनडे क्रिकेट में, ये जो सीरीज अभी स्टार्ट होने जा रही है इसमें हम कैसा परफॉर्म करेंगे. हमारे साथ होंगी हेना, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट. बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज, अगर हम मोटापे की बात कर रहे हैं, वेट लूज़ करने की बात कर रहे हैं, तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज की बात करें, और हेना हमें आज कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बताएंगी जिससे आप जल्द से जल्द हेल्दी तरीके से वेट लूज़ कर सकें. हमारे साथ होंगी डॉक्टर हबीबा जो कि हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं. एक्सरसाइज के साथ साथ खाना पीना आ जाता है, तो आपको बताएंगे कि कौन सी ग़िज़ा जो है आपको, कौन सी चीज़ें जो हैं आपको रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल करनी चाहिए हैं ताकि आप जो है फिट और हेल्दी रह सकें और वेट लूज़ भी कर सकें. ऐसा कोई खाना है जो मैं खाऊं और उससे मेरा वेट जो है वो कम होता जाए, इसके बारे में बात करेंगे. हमारे साथ होंगे हकीम रिजवान जो कि हमें बताएंगे कुछ हिकमत की बातें, जिसके अंदर वो बताएंगे कौन सी चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेट लूज़ करने के लिए, अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए. जब भी वो हमारे पास आते हैं, इंटरेस्टिंग बात ही होती है, तो वो आएंगे, उनसे पूछेंगे क्या हम कर सकते हैं जल्दी से वेट रिड्यूस करने के लिए. और हमारे साथ होंगी सलीम खान और कोमल खान जो कि दो मॉडल्स हैं, ताकि हम आपको जो है मोटिवेट कर सकें कि किस तरह जो है आप अपना फिगर जो है उस तरह मेंटेन कर सकते हैं और वेट जल्द से जल्द लूज़ कर सकते हैं. टाइम है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपना शो स्टार्ट करते हैं. वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग. अभी जिनको मैं यहाँ पर दावत देना चाह रही हूँ, सबको देखकर आप मोटिवेट जो है ना, मोटिवेट बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारे पास जो है फिटनेस एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी आ रहे हैं, और हमारे पास दो मॉडल्स हैं जिनसे हम पूछेंगे उनकी फिटनेस का राज. तो मैं एक एक करके सबको बुलाती हूँ. आ जाइए सबीन खान, कोमल खान, डॉक्टर हबीबा और हिना हमारी फिटनेस एक्सपर्ट. आ जाइए जी, प्लीज हैव अ सीट. कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द शो. जी तो मुझे सबसे पहले किससे पूछूं मैं फिटनेस का राज है, पहले मैं पूछती हूँ आप लोगों से और फिर मैं जाऊंगी एक्सपर्ट्स के पास. तो बताइए मुझे सबीन, कैसे रखती हैं अपने आप को फिट? आप कुछ तो कहूँगी कि गॉड गिफ्टेड है. अच्छा, और खाना लगता ही कम लगता है. अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं लगता. डेफिनेटली हम मॉडल्स को तो बहुत केयर करनी पड़ती है. डाइट प्लान होते हैं, फिर एक्सरसाइज होती है, तो वो इस तरह मेंटेन रखते हैं. डाइट प्लान होते हैं, डाइट प्लान और एक्सरसाइज हमसे भी शेयर की जाएगी? बिल्कुल शेयर की जाएगी. अच्छा, आप बताइए मुझे. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है कि गॉड गिफ्टेड है, लेकिन खुद से हमें जाहिर सी बात है ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि अगर आपकी बॉडी मेंटेन आप ना रख सको तो वो फिर ड्रेसेस आप पे सूट नहीं करते हैं. हाँ, तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है. सब कुछ देखना पड़ता है. ये डाइट प्लान क्या है ये हमसे शेयर करेंगे आप थोड़ा सा? बिल्कुल. जैसे ब्रेकफास्ट होता है सुबह का, वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता. अच्छा. हाँ, और लंच होता है, स्किप हो जाता है लंच में, और डिनर जो है वो कम होता है, लेकिन होता है. बहुत ज़्यादा हैवी फूड हम नहीं ले सकते. ये क्या बात हुई?
ये बात नहीं मुझे पसंद आई, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है खाना कि अगर मुझे लंच स्किप करना पड़े या मुझे कोई भी खाना स्किप करना पड़े तो मैं बहुत ही हैप्पी मोटी खातून हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो कोई भी खाना स्किप करूँ। जी हबीबा, आप मुझे बताइए, क्या ऐसे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँ, ऐसा कोई खाना है, ऐसा कोई फूड, ऐसा कोई फ्रूट है जिसको मैं खाऊँ और मैं वेट लूज करूँ? देखें बस ऐसा है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये ऐसे हैं कि ये लो इन कैलोरीज हैं, तो ये रेकमेंड किया जाते हैं कि अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो आप इनका इस्तेमाल करें। अच्छा, लेकिन साथ में ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अभी जैसे जो जैसे हमारी मॉडल्स ने बताया, तो मॉडल्स का एक अलग से ज़ाहिर है कि उनकी एक होता है कि उन्होंने एक मेंटेन रखना है एक सर्टन वेट को, लेकिन हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप तमाम फूड ग्रुप से लें, इवन इफ कि आपने वेट रिड्यूस करना है तो आप जो है वो कार्ब्स भी लें, आप हेल्दी वाले फैट्स भी लें, आप प्रोटीन्स भी लें, वेजिटेबल्स भी लें, फ्रूट्स भी लें, सब कुछ लें, लेकिन आपने कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड है वो इस्तेमाल नहीं करें, और बहुत ज़्यादा जो सैचुरेटेड फैट है वो जो है वो इस्तेमाल नहीं करें, मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, हाई कैलोरी फूड्स जो होती हैं उनको अवॉइड करें, और फिज़िकली एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किप करना जो है, जो कि आप क्रैश डाइटिंग में चले जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं और स्किप करते हैं, ये कतन रेकमेंड जो है वो नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब आपने कोई भी जो है, मैं पहले भी कह रही थी, एक्सट्रीम डाइट्स होती हैं जिससे आपको एक्चुअली नुकसान होता है, फायदा बिल्कुल भी नहीं होता। बिना आप मुझे बताएं कैसे मेंटेन रखते हैं आप अपने आप को, एक्सरसाइज से मुझे पता है। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आपकी, आपने जो बेसिक चीज है आपकी फिटनेस के लिए वो आपकी इनटेक कैलोरीज है। आपने अपने पूरे दिन की कैलोरीज को वॉच करना है, और उसके बाद ऑफ कोर्स एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो वो आपने करनी है, बैलेंस फूड हो, बैलेंस डाइट हो। अब मैं समझती हूँ कि अगर आप एक्स्ट्राज ही कट डाउन कर देना अपनी लाइफ से, लाइक आपका प्रोसेस फूड है, आपकी जो है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स हैं, इस तरह की, हाँ तो वैसे ही ये तो हम कहते हैं मोटापे के अलावा वैसे ही बेड़ा करते हैं। अगर आप इन सब एक्स्ट्रास को कट डाउन कर देंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप खुद से एक चेंज फील करेंगे अपने अंदर, पॉजिटिव चेंज भी, और एक अपनी बॉडी के अंदर भी, और अपनी डाइट को बैलेंस करें, वही आप प्रोटीन्स दें। लेकिन मैं समझती हूँ कि कार्ब्स में खुद इसलिए ऐड नहीं करती, बिकॉज कार्ब्स आप ना चाहते हुए भी ले ही लेते हैं दिन में, आपका पूरा हो जाता है, इसलिए कार्ब वाइट फूड आपको कट डाउन करना होता है, जैसे आपके पास्ता, अब ये जो हमारी यंग लॉट है ये पास्ता नूडल्स ये सारी वाइट फूड इतना ज़्यादा खा रही होती है, और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात ये कि यंग गर्ल्स आजकल बहुत ज़्यादा जो टीन एज में है वो ज्यादा फैटी हैं और ओबेसिटी जल्दी गेन कर लेती हैं। ये मैं आगे भी पूछूंगी, मैंने कहीं पर पढ़ा था, या प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक जो नूडल्स का पैकेट होता है जो आपके स्क्वायर में नूडल्स आते हैं, नाम मैं नहीं लूंगी, उसको 2 वीक्स लगते हैं डाइजेस्ट होने के लिए। देखिए टू वीक्स तो है बहुत ज़्यादा है, इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कि काफ़ी टाइम लगता है। अब उसमें ये बात है कि हम जब कार्ब्स की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स। ये नूडल्स हैं, वाइट राइस है, वाइट ब्रेड है, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या आती हैं, सिंपल कार्ब्स में आती हैं, शुगर भी ये सिंपल कार्ब्स, ये जो हैं ये आपको कैलोरीज देते हैं, और आपकी जो कह लें कि फ़ौरन एब्जॉर्प्शन इनकी जो है वो जल्दी भी होती है एब्जॉर्प्शन इनकी, और क्या होता है कि ये आपको भूख भी फौरन लगती है। अच्छा, जो कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जैसे कि अगर हम चोकर वाला आटा इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए हमारा चपाती, हमारी एक रवायत है हम खाना चक्की का आटा, तो अगर हम चक्की का आटा यूज कर लेते हैं ये अच्छा ऑप्शन है। अगर हम इंस्टेड ऑफ वाइट ब्रेड के हम ब्राउन ब्रेड जो है इस्तेमाल करें, ये एक अच्छा ऑप्शन है। इस तरह से हम वाइट राइस की बजाय अगर हम ब्राउन राइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो ये है कि हमने कॉम्प्लेक्स जो है कार्ब्स जो है वो इस्तेमाल करने। जितनी इन्होंने चीजें बताई अभी, ब्राउन राइस बताई, ब्राउन ब्रेड बताई, इसमें से क्या क्या चीजें जो है आप इस्तेमाल करें? मैं इसमें से बहुत कम चीजें यूज करती हूँ। अच्छा, सिर्फ ब्रेड? सिर्फ ब्रेड। रोटी नहीं खाती मैं। रोटी खाती नहीं? नहीं। चावल खाती हूँ। चावल भी बॉइल्ड, या मैक्रोनीज हो गए, पास्ता जैसे इन्होंने बताया। अच्छा, पास्ता भी खाए जाते हैं, हालांकि पास्ता आई हैव हर्ड इज वेरी डेंजरस। वो जब आप पके भी नहीं होते, मैं तो देख के हैरान रह जाती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड ऐसे हैं कि
जो भी चीज़ें जो मेरी हेल्थ के अगेंस्ट हो वो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा है कि मैं नान नहीं खा सकती, अगर मैं खा लूँ तो आप बिलीव करें मुझे पेन रहती है स्टमक में। अच्छा। कभी होता है ना मजबूरी में आप कहीं ऐसी जगह पे चले गए, ब्लेसिंग इन डिसगाइज़, जब ये एग्जैक्टली जहाँ पे आपको आपकी पसंद का फूड अवेलेबल नहीं है और आपने खाना है, कोई ऐसा फातिहा का फूड है, फातिहा हो रही है तो आपको थोड़ा सा लेना ही पड़ता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पी सकती, अगर कभी वंस इन अ ब्लू मून पी लूं तो ऐसा लगता है मेरा स्टमक फिल हो गया। अच्छा, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से। मुझे तो ये है कि जिस दिन मैं सॉफ्ट ड्रिंक पी लूं, कोई भी फिजी ड्रिंक हो, तो मुझे अगले दिन पिंपल निकल आता है। पिंपल निकल, दो पिए तो दो पिंपल्स निकल आएंगे। तो हाँ, ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज होती है ना, कि वैसे आप कोई चीज़ जो है वो खा पी नहीं सकें। लेकिन आगे भी हम बात करेंगे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, और ज़रूरी नहीं है, इस शो का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप सारा खाना पीना छोड़ दें। सिर्फ एक राइट तरीका होता है हर चीज़ को, कब किस टाइम पर किस क्वान्टिटी में जो है आपने खाना है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और वो आपकी हिकमत के बगैर जो है ना कम्प्लीट नहीं हो जी, इंशाल्लाह बड़ी चीजें बताएंगे आज। तो सबसे पहले हकीम साहब मुझे बताएं, ये मोटापा जो है एक तो खानदान में जो है भी होता है कि अगर आपकी फैमिली में चलते हैं ओबेसिटी, स्पेशली शुगर से रिलेटेड होता है ये। शुगर मोटापे से होती है। अच्छा, मोटापे से शुगर, मोटापे से शुगर होती है ज्यादा। जो मोटा होगा उसको शुगर भी होगी, ब्लड प्रेशर भी होगा, कोलेस्ट्रॉल भी उसका होगा, मतलब उसकी हेल्दी लाइफ नहीं रहेगी बिल्कुल। तो आजकल मैं देखा हर बंदा ये तो देखता है कि मैं मोटापा कम कैसे करूं, लेकिन ये नहीं देखता कि इसके असबाब क्या हैं, मोटापा हो ही क्यों ना, बिल्कुल उसको हमने उसका सदबाब करना ना कि मोटापा हो ही ना। अब देखे ना, मेरा पिछले 75 किलो मेरा वेट है पिछले 40 साल से, 76 हो जाता लेकिन 77 नहीं होता। तो ये थोड़ी कि मैं कोई मेडिसिन खाता हूँ, कोई ये वो डाइट का एक रूटीन रखी हुई है। जैसे ब्रायलर चिकन है, उसके बारे में हमेशा कहते हैं डॉक्टर हबीबा साहब भी हमेशा कहती हैं कि वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो हेल्दी वो नहीं है। उसको जो डाइट, उसको जो फीड दी जा रही है उस चिकन को, वो चंद दिन में इतना वो कर दिया जाता है, और उसमें स्टीरॉयड भी, पता नहीं क्या कुछ गंद बला भी उसमें बहुत कुछ है, और मुमकिन है किसी जगह पे अच्छी फीड भी देते हों, लेकिन आम तौर पर यही है। तो चिकन वो नहीं खाना, फिर डीप फ्राइड चीजें, अब मार्केट से जाएंगे समोसा खाएंगे, अब समोसे का कसूर नहीं, कसूर उस ऑयल का जिसमें फ्राई हुआ है, वो कई कई महीने उसमें जलता रहता है ऑयल जो है, उसी में थोड़ा ऐड करते थे, उसको चेंज तो करते नहीं है ये लोग ना, बिल्कुल ऐसे ही, और वो मोटापा पैदा कर रही है। फिर जंक फूड तो आपको पता ही है, बर्गर पिज्जा शिजा ये चीजें, फिर मैदा जो है, अब पहले कहाँ रुझान होता था कि आटे को छानना और उसको फिर फाइन आटा करना, चक्की से आटा पसवाना और रूटीन में इस्तेमाल होता था, फाइबर भी बॉडी को मिलता था, अदरवाइज भी ठीक था। तो इसलिए वो फाइन आटा भी इस्तेमाल नहीं करना और मैदा भी इस्तेमाल नहीं करना। फिर बेकरी की चीजें बहुत रुझान है, ऑफिस में बैठे हुए हैं, चाय पिया या कहवा पिया, सारी एक दो चीजें खाम खा लोग खाते हैं, तो बेकरी बेकरी को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादा, कभी कभार की चलो कोई इश्यू नहीं है। फिर ये बाजारी गंदबला रेडियो पे खड़े होके खाना खाने, एक जमाना था 15-20 साल पहले कि वो हेल्दी फूड बनता था घर में, एक खातून बनाती थी और उसका मियाँ जाके रेडी पे जाके बेच देता, अभी वो बल्क में बनाते हैं और उसी में वो अगले दिन वो जाया भी नहीं करते, जो बचता है उसी के अंदर डालते हैं, उसी में और डाल देते हैं, जैसे चने हैं, हलीम है, इस तरह की चीजें, फजूलियात चीजें सब। तो इसलिए सबसे पहले तो घर का फूड खाएं, फिर उसके बाद सब्जियों का रुझान कम होता जा रहा है, बच्चे खास तौर पर आजकल उनको सब्जियां फ्रूट की तरफ लगाएं, वो सब्जियां खाएं, फ्रूट खाएं। अब जैसे सुबह सवेरे पेश करने के बाद एक गिलास पानी पिएं और उसके बाद आप एक एप्पल खाएं, तो एप्पल खाने वाले जो लोग हैं वो वैसे भी हेल्दी लाइफ होगी उनकी और उनको मोटापा भी ज्यादा नहीं होगा। अच्छा। अगर वो बाकी चीजें अवॉइड करें। अच्छा। तो ये सब चीजें हैं जो मोटापे से बचने के लिए, हमें मोटापे से बचने के लिए पहले वो काम करना चाहिए। बिल्कुल, जो लोग इस फजूलियत खा के मोटे हो चुके हैं उनको फिर हम आज बताएंगे क्या उन्होंने करना है। बिल्कुल, जैसे आपका टारगेट है कि एक महीने में 5 किलो, तो इंशाल्लाह जो आज मैं बताऊंगा वो 5 किलो से ज्यादा कम होगा इंशाल्लाह। क्या बात है, हम आपको 3 कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, 1 महीने में 5 किलो वजन आपने कैसे लूज करना है, हकीम साहब भी आपको बताएंगे इसका एक डाइट प्लान, हमें डॉक्टर हबीबा भी बताएंगी, और हेना भी जो है हमें आज ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली है जिसमें आप 1 महीने में जो है 5 kg लूज करेंगे, और अगर आप तीनों को कंबाइन कर लें तो शायद ज्यादा ही कर लें। अच्छा, एक हेल्दी वेट लॉस होता है,
और एक अनहेल्दी वेट लॉस होता है, इसके बारे में भी बात करते हैं कि कितना वेट लूज करना सेफ है, कितनी टाइम में। जो बिल्कुल आइडियली देखा जाए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो 1 kg पर वीक जो है रेकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो मतलब 4 kg या 5 kg इन अ मंथ इज बिल्कुल बिल्कुल सही है। उसमें समटाइम्स ये भी होता है कि हम देखिए किसी ने बहुत ज़्यादा वेट जो है वो रिड्यूस करना है बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है, डेंजरस हद तक भी कुछ लोगों का वजन ज़्यादा होता है, तो उस केस में हम थोड़ा सा इसको जल्दी भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम जल्दी भी रिड्यूस करा सकते हैं। मगर ये जो हम देखते हैं कि कई जगह हम दीवारों में देख लिखा होता है कि जी 1 महीने में आप 20 kg कम करें और 15 kg कम करें, और ये बहुत ज़्यादा कह लें कि जो पढ़ने वाला है उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि ये जो है ये शायद ज़्यादा अच्छी बात है, मैं कम अरसे में ज़्यादा रिड्यूस कर लूँगा। लेकिन ये बिल्कुल अनहेल्दी तरीका है, क्योंकि आप देखिए आपने वेट कम करना है बट ये नहीं आप चाहते कि साथ में और प्रॉब्लम्स हो जाएं। बिल्कुल, इस पे भी हम बात करते हैं। मेरे साथ एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम खालदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं खालदा मुल्तान से बोल रही हूँ। जी जी, खालदा मुल्तान से, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप पे रहीम साहब से बात करने से ना जरूर जरूर जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी उम्र 42 years है जी, लेकिन मेरा वजन भी तकरीबन 52 kg है जी, इतना मोटापा नहीं है सर, तकरीबन 1 साल हो गया, जोड़ों का बहुत दर्द है और बार बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने जी बड़े का गोश्त भी मैंने छोड़ा हुआ है, अंडा भी मैं छोड़ देती हूँ और चावल भी मुझे कहा है कि छोड़ दे, लेकिन उसके बावजूद मैं भी दिखा लूँ या कोई चने की दाल या चावल थोड़े से फौरन अगले दिन जोड़ों में बहुत शदीद दर्द है, पाँव की इस पंजे में। यूरिक एसिड चेक कराया आपने? यूरिक एसिड चेक यूरिक एसिड सर मैं टेस्ट कराती हूँ, कभी 6.8 आता है जी, तो मैं मेडिसिन खाती हूँ तो वो लो हो जाता है, महीने 2 महीने में फिर कोई ऐसी चीज खाई जाती है वो बार बार लो हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। और इस वक्त मेन मसला ये जोड़ों का शदीद दर्द है। जिसके लिए नुस्खा बताते हैं आपको, बस वो आप नोट कर लें काइंडली। इन्होंने अपनी एज 22 बताई है ना, 42 मैं भी कहूँ 22 में, ठीक 42। काली मिर्च 50 ग्राम और ये जो सूखा अदरक होता है जिसको बाजार से मिलेगा आपको वो भी 50 ग्राम और तुख में चंजन ये 100 ग्राम और अक की टोपियाँ ये भी 100 ग्राम, सुरंजन तलख 50 ग्राम, सुरंजन शीरी 50 ग्राम, इन सब चीज़ों को बारीक पीस लें और मनक्के के अंदर मनक्के के बीज निकाल के उसके गूंद के या गुड़ में उसकी गोलियां बना लें चने के दाने के बराबर, तो वो सुबह दोपहर शाम जो स्लिम लोग हैं वो एक एक गोली खाएं और जो बल्कि हैं वो दो दो गोलियां खाएं, तो जबरदस्त ट्रीटमेंट है, बहुत आला ट्रीटमेंट है जोड़ों के दर्द का। और अगर बार बार देखा गया कि वो कड़िक कड़िक की आवाज भी उसमें आ रही होती है तो वो जॉइंट्स में लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है। अच्छा, तो उसके लिए बड़ी अच्छी चीज है बहीदाना। अच्छा। बहीदाना 1 tbsp 1 glass दूध में पकाएं, जब दूध आधा ग्लास रह जाए उसको फिल्टर करके वो पिए, 15 दिन वो पियेंगे ना तो जिन जिन लोगों के कड़िक कड़िक की आवाजें आती हैं चलते फिरते सही, वो उनकी वो ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी सिर्फ एक बहीदाना से, और कोई चीज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल अच्छा है ना, ये हम एक्सरसाइज भी जब बताते हैं जो बहुत ज़्यादा ओबीज लोग होते हैं, वैसे अगर मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट करूँ कि पाकिस्तान की जो एवरेज ख़वातीन की हाइट है वो 5'2" से लेके 5'6" के दरमियान हो, एवरेज यही है 5'2" से 5'6, तो इसमें वेट आपका क्या होना चाहिए 5'2" से 5'6 एक खातून का? वैसे तो 50 kg मुनासिब है, 5'2" से 5'6 तक तो 50 kg, अगर 6 inches तक है तो फिर वो थोड़ा सा और भी बढ़ जाए तो कोई बात, थोड़ा सा और बढ़ जाए तो कोई बात नहीं। तो अगर इस उसमें हाइट में रहते हुए, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनका 70-80 kg जो है वेट है, तो उनको जो है ये जिस तरह इन्होंने जोड़ों के दर्द का बताया ये बीमारियाँ जल्दी शुरू हो जाती हैं, तो इसमें ये इसकी वजह से होता है कि ये आपके जोड़ों का दर्द ये वाला सारा कुछ, ये आपकी बॉडी वेट की वजह से भी होता है? वेट की वजह से होता है। मेरी अपनी फैमिली में एक लड़की है, शी इज यंग और अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं जब उसको देखती हूँ शी इज हैवी वेट लाइक 100+ kg जी, उसको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि आप फौरन से पहले इतना वेट लूज करें
और वो उठ जाती है तो बैठ नहीं सकती, जिस तरह प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, बैठ जाती है तो उठ नहीं सकती. और मैं उसको समझा के अब थोड़ा सा उसने लूज़ किया है. अच्छा, इसके साथ ही मैं ये बता दूं कि जब बहुत हैवी वेट के लोग एक्सरसाइज करें तो बहुत ज़्यादा जंपिंग से स्टार्ट ना लें. आप अपना वार्म अप और कार्डियो जंपिंग के बगैर भी मार्च करके और स्टेशनरी वॉक जैसा हम एक्सरसाइज बताते रहते हैं उससे स्टार्ट करें. जब ग्रेजुअली आप अपना वेट लूज कर लें देन कम अप टू रेगुलर एक्सरसाइजेस, राइट. तो ये रीजंस हैं. और हकीम साहब ने जैसे बताया कि एक तो पाकिस्तान में एवरेज हाइट जो है वो 5'2", 5'5", 5'4" तक है जो मैंने देखी है. 5'6" and 5'7", 5'8" बहुत कम रेयर है. तो उसमें बिल्कुल अपने जब आप एक चीज अगर आप 50 अपना फोकस रखेंगे ना तो डेफिनेटली हम ऐसी नेशन है कि 55-60 पे जाएंगे क्योंकि बीच में हम मंचन कर रहे होते हैं और कहते हैं जी हम तो कुछ भी नहीं खाते, पता नहीं वेट बढ़ रहा है. और अगेन लेडीज में मैं ये कहूँगी जब स्पेशली कि जब आपका वेट लूज नहीं हो रहा, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप डाइट भी कर रहे हैं, तो अपने हार्मोन चेकअप जरूर कराएं. आपका LHL ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, FCS है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, आपका थायराइड का टेस्ट है, ये सारे टेस्ट आप डॉक्टर से जाके अपने कंसल्टेंट से. आपने मुझे एक एक्सेप्शनल जो है भी ये भी बताई है एग्जांपल जिसमें वो बहुत ओवर 100 इज अ वेरी वेरी टू फैट आई वुड से, ठीक है. और इसके अंदर से सिर्फ ये भी नहीं बल्कि कंसीव करना भी जो है मुश्किल हो जाता है. आई नो पीपल जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे और उनको सबसे पहले जो है डॉक्टर ये कहते हैं कि आप पहले अपना वेट लूज करें. मेरे साथ एक कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और आज तो आपने चश्मा लगाया, ऐनक लगाई हुई है और अच्छी लग रही हैं आप. टीचर लग रही हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा, मैं ये मेरा क्वेश्चन है कि मेरी ना थाइस हैवी हैं तो जिसकी वजह से मुझे बड़ा मसला होता है. आप इसके लिए मुझे ये हकीम साहब से भी पूछ कर बताइए और जो ये आपकी फिटनेस एक्सपर्ट आई हुई इनसे भी कोई एक्सरसाइज पूछ कर बताइए. जी जी, थाइस जो है ना वो हैवी हो गई और कुछ अर्सा हुआ है. यानी कि पहले मैं बिल्कुल सही थी तो, लेकिन आपने आज सवाल भी यही पूछा है ना कि क्या मसाइल. बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़े मसले होते हैं क्योंकि ना मैं अक्सर थाइस हैवी होने की वजह से सिर्फ ना बार दफा नमाज पढ़ते पढ़ते भी बैठ कर नमाज पढ़ना शुरू कर देती हूँ. बहुत मसाइल होते हैं, चलने फिरने में हर चीज में दुश्वारी होती है. जल्दी थकन हो जाती है. बिल्कुल जी, जल्दी थकन हो जाती है. और इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपनी फिटनेस को बरकरार रखूँ और खासतौर पर नमाज पढ़ते हुए मुझे कोई तंगी ना हो. क्योंकि जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते जब तक खड़े होकर नमाज ना पढ़ी जाए ना, और तो मुझे ये बड़ा मसला होता है. तो मुझे प्लीज अच्छा सा कोई नुस्खा बताएं. बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बताते हैं, हम आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा. जी है ना, थाइस. थाइस की मैं बार बार अगर इन्होंने हमारे प्रोग्राम्स देखे हो तो मैं फोकस ज्यादा हम लोअर बॉडी हम इसे लोअर बेली कह रहे होते हैं. थाइस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज लार्ज मसल्स है आपका बेली, आपके ये थाई, एडक्टर्स, एबडक्टर्स, सब ये लार्ज और बहुत मुश्किल से जाता है. तो जब भी आप एक्सरसाइज करें, मार्च करें और स्टेशनरी वॉक से स्टार्ट लें, देन इसको ग्रेजुअली अपने हार्ट रेट को, कार्डियो एक्सरसाइजेस करें, जंपिंग जैक्स भी सबको पता है, और जॉगिंग करें. जितना ज्यादा आप जॉगिंग करेंगे, फ्रॉग जंप्स हो गई आप करें तो आप अपना. अच्छा, हमारे पास ये जो मॉडल्स बैठी हैं, आप बताइए आपकी जनरल रूटीन क्या, एक्सरसाइज करती हैं आप दिन में? नहीं, मैं सच वैसे कोई एक्सरसाइज नहीं करती. नहीं करती, माशाल्लाह, मतलब वाकई गॉड गिफ्टेड है. आप करती हैं एक्सरसाइज? मैं करती थी पहले. अच्छा. लेकिन अब मैं ज्यादातर वॉक करती हूँ. वॉक इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. अच्छा, क्या एक्सरसाइज करती थी वैसे अपने आपको, क्योंकि आपने पूरी बॉडी को टोन रखना होता है. योगा करती थी लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया. अच्छा. वॉक सबसे बेस्ट मुझे लगती है. कि वॉक कितने घंटे की होती है, मिनट्स की? घंटे की होती है. घंटे की, बल्कि घंटों की होती है. घंटों की होती है. अच्छा, ब्रिस्क वॉक की बात कर रहे हैं. मैं समझ लें 6-7 hours मुझे, मैं एक्चुअली बैठ नहीं सकती. अच्छा, तो आप कॉन्स्टेंटली जो है चलती रहती हैं, चलती रहती हैं दिन की रूटीन का. अच्छा, ये हिस्सा कहीं पर मैंने छोटी छोटी टिप्स पढ़ी थी और उसके अंदर भी लिखा हुआ था कि आप दिन में फोन पे तो बात करते ही करते हैं हमेशा, आपको एक ना एक या दो फोन तो आते ही होंगे, तो आपकी 3-4 minutes की बात होती होगी. ये बड़ी रेयर बात करी हूँ, ऐसे लोग बड़ी लंबी लंबी फोन पे बातें करते हैं. तो आपने जब भी आपको फोन आता है तो आप खड़े हो जाएं और जब तक आप फोन पे बात करें आप वॉक करते रहें. और अगर आपको वॉक की आदत नहीं है तो जब आप पहली दफा ये करेंगे तो दूसरी साइड पे आप जिससे भी बात करें वो आपको कहेंगे सांस क्यों चढ़ी हुई है, क्योंकि हमें इतनी भी आदत नहीं होती कि हम थोड़ा सा जो है वॉक करके बात कर लें.
एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि लोग समझते हैं एक चीज, सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करें. लोग ये सोचते हैं कि ओवरनाइट आपका वेट कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता. आई वॉज 59 एक टाइम था और मुझे 55 पे लाना था. तो कैन यू इमेजिन, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे 1 year and 8 months लगे वो 4 kg लूज करने में. One year and eight months. लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया. लेकिन हम यहाँ पर आपके जो है 1 year and 8 months की बात नहीं करेंगे, हम आपको महीने में जो है ना 5 kg रिड्यूस करेंगे, हमारा दावा है. क्योंकि मेरा फैट ज्यादा नहीं था ना, फैट कम था मेरा. तो जिनका फैट कम होता है उनको ज्यादा टाइम लगता है, जिनका ज्यादा फैट होता है. इस पे भी हम बात करते हैं टाइम, एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं फौरन से वापस. मॉर्निंग, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वेट रिड्यूस करने की और किस तरह जो है कम से कम टाइम में एक हेल्दी अमाउंट ऑफ वेट जो है आप लूज कर सकते हैं. यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी उन सब बच्चों के लिए जो हमारा इस वक्त शो देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं. खूबसूरती का क्राइटेरिया आपकी अपेयरेंस नहीं है. मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप कितने खूबसूरत हैं वो आपकी सीरत पर डिपेंड करता है. जब मैं मोटापे की बात करती हूँ तो मैं आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से करती हूँ, क्योंकि आप मोटापा जो है आपको आगे जाके, अगर आप यंग एज में मोटे हो गए, आप बूढ़े भी जल्दी हो जाएंगे, आपको बीमारियाँ भी जल्दी हो जाएंगी, आपको नफसियाती मसले भी जो है जल्दी होना शुरू हो जाएंगे. अब जिन्होंने हमें कॉल करके, आपकी एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी कि वो यंग सी स्टूडेंट थी और वो बैठ के नमाज पढ़ती थी. आप सोचे छोटी सी उम्र में अगर आपके जोड़ जो है वो काम करना छोड़ दें, आप भाग ना सकें, आप जो जिंदगी जिस तरह इंजॉय कर सकता है एक हेल्दी इंसान वो ना कर सके, तो ये अच्छी बात नहीं है. तो खूबसूरती का क्राइटेरिया मोटापा बिल्कुल भी नहीं है. मैं भी उन आंटियों के अगेंस्ट हूँ जो रिश्ते जो है मोटापे की वजह से रिजेक्ट करती हैं. बात हम यहाँ पे हेल्थ की कर रहे हैं, तो दैट क्लियर. मेरे पास एक दो बहुत खूबसूरत खवातीन हैं जो हमसे अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपके? आप तो अभी से इतनी उदास है भाई, हमारे शो के बाद 5 kg लूज हो जाएगा. खुश खुश बात करनी है, मोटिवेटेड रहे. अभी मैंने बताया कि आपको मोटिवेशन लूज नहीं करनी. जब आपकी मोटिवेशन होगी, डिटरमिंड होंगे आप, देन यू हैव यू कैन अचीव योर गोल. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा मुझे बताएं क्या वेट है आपका? मेरा 98 जी. और ये हमेशा लड़कपन में भी यही वेट था या ये शादी की टेंशन के बाद? बस शादी के बाद. शादी के बाद तो क्यों होता है? बस वो कुछ बेबीज वगैरह हुए हैं इस वजह से जिस्म भी फूल गया, और फिर दूसरे ये वॉक भी नहीं करती थी मैं, और बस खाया इधर बैठ गई उधर बैठ गई, या बस खाना पीना ज्यादा था ना, तो एक्सरसाइज भी कुछ भी नहीं थी. कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं होती. तो क्या मसाइल क्या होते हैं इससे? मसाइल ये होते हैं कि बस ये कि जिस्म जो होता है वो फैल जाता है, फूल जाता है. और दूसरे ये कि हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करें इनमें, ताकि हमारा जिस्म जो है जो इतना जो बढ़ा है वो कम हो जाए. अच्छा आप हमारे शो पे पहले भी आ चुकी हैं, हमारे शो देखती भी हैं, तो मुझे बताएं यहाँ पर जो हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं या आपको खाने से रोकते हैं, किसी चीज पे अमल होता है कि बर्गर शर्गर चल रहे हैं वैसे ही? नहीं मैं बर्गर वगैरह तो नहीं खाती, लेकिन ये है कि मतलब एक्सरसाइज जो देखती हूँ वो करती हूँ घर के अंदर ना, तो थोड़ा बहुत मतलब होता है, इतना नहीं हो सकता जो मतलब एक्सपर्ट जो होते हैं ना वो करते हैं, लेकिन मैं उनमें जो वो कोशिश करती हूँ ना, क्योंकि मुझे शुगर भी है ना, तो इस वजह से उसकी वजह से भी तो मुझे भूख भी बहुत लगती है. अच्छा इस पर भी हम बात करते हैं, ये भूख बहुत ज्यादा लगने भी, ऐसी दवाइयों का तो मुझे पता है जिससे भूख ज्यादा लगती है, ऐसे कोई है जिससे भूख ना लगे? अस्सलाम वालेकुम जी. क्या नाम है? शुक्र मेरा सुमेरा सजाद. मेरा सजाद साहब क्या वेट है आपका बताइए? मेरा है साहिबा 88 जी. अच्छा जी तो मुझे बताइए ये आपका भी शादी के बाद? मैं शुरू से ही, क्योंकि मेरे फैमिली में ही मोटापा था, मेरे फादर मेरी मदर हेल्दी थे, खाता पीता खानदान था. तो मैं जब मेरी शादी हुई तो मेरा 58-60 पे मेरा वेट था. मैं बोलूं मैं बहुत स्मार्ट थी, मेरे करीब करीब था, मैं तो बता रही हूं मैं बहुत स्मार्ट थी, ये तो बात गलत है. तो फिर उसके बाद मेरे बच्चे हुए, कुछ अपॉर्शन हो गए, उसके बाद वेट बढ़ता रहा, फिर वो कम ही ना हो सका. जैसे कभी कुछ फॉलो किया एक डाइट? नहीं खाना पीना मेरा इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ. जैसे सुबह में एक शुरू से ही मैं एक सूखी रोटी और बॉयल अंडा लेती हूँ. अच्छा, ये तो बहुत अच्छा नाश्ता और है. उसके बाद मैं कोई चीज नहीं लेती. फिर मैं 11 बजे स्कूल में कावा ले लिया तो ले लिया, नहीं तो वो भी छोड़ दिया. अच्छा. फिर घर आके हाँ मैं फिर मैं 1.5 रोटी लेती हूँ, उसके अलावा मैं रोटी पे इतना मेरा फोकस नहीं है. क्यों इतना बस? फिर वो वेट, मुझे डॉक्टर ने कहा कि थायराइड शायद आपको है. मैंने सच्ची बात बताऊँ, पीछे मेरे क्योंकि 4-5 सर्जरी हुई तो मैं डॉक्टर से अवॉइड करती हूँ, और मुझे
मुझे डर बहुत लगता है डॉक्टरों से, तो मैं नहीं गई, कोई टेस्ट मैंने नहीं कराया ना थायराइड का। उन्होंने मुझे कहा हो सकता है आपके हॉर्मोन्स में, क्योंकि ब्लड की कमी भी थी मुझ में। अच्छा। तो वो बच्चों की वजह से, और फिर मेरा भी पीछे एक सर्जरी बड़ी मेजर हुई तो उसकी वजह से भी कहा। अब जो है कि मैं जिस टाइम मुझे भूख लगती है मुझे मेरा बीपी एकदम डाउन हो जाता है। अब जो है, अच्छा आपने मुझे जितने भी मसाइल बताए हैं ना, मैं पाकिस्तान में एवरी अदर वुमन, हर दूसरी जो खातून होंगी उनका यही मसला होगा। एक बच्चे हो गए, मैं काम करती हूँ, शुगर है, हॉर्मोन्स का मसला है, मिसकैरेज हो गया है, इन सारी चीजों का। लेकिन ये मसाइल वाकई टाइम वर्किंग वुमेन्स हैं और जिनके बच्चे हैं, घर है, मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं प्रॉपर वॉक करूँ, प्रॉपर एक्सरसाइज करूँ। मैं थकावट का इतना शिकार हो जाती हूँ, जब मैं घर आती हूँ तो मेरे लिए 10 काम घरों में भी खुले हुए होते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। ये असली पाकिस्तानी घर की औरत का दुख है। मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं फिर नमाज पढ़ती हूँ, जो खाना खाया खाया, खाना बनाया, बच्चों को देखा और बेड पर हो गया। और बेड पर, ये सही कह रही है, ऐसा ही होता है। आप बहुत उदास है। नहीं, उदास नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं, मतलब लेकिन ये है कि मैं जो इन्होंने कहा ऐसा ही है कि घर आके बस अब थोड़ा सा रेस्ट करना, बस ये कुछ ज्यादा खवातीन मसरूफ ज्यादा है कि उनके पास टाइम नहीं है वॉक का, तो अपने मतलब अपने आप को डाइट पे रखें या इस तरह। लेकिन आप रूम में, मैं बता चुकी हूँ कि मेरे पास इसका सोल्यूशन है जो इन्होंने बात की। सबसे पहले लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ मोटिवेशनल, एंड आप सुबह फजर की नमाज के बाद आप अपने रूम में, नो एक्सक्यूजेस, हम एक्सरसाइज बताते रहेंगे आगे भी आने वाले प्रोग्राम्स में, तो आप अपने रूम में 30 मिनट्स के, मैंने बूट कैंप्स कराए हुए जो आपका फास्टेस्ट फैट लॉस होता है, आप 20 मिनट्स की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अपनी सिर्फ डाइट को वॉच करें कि आप एक्स्ट्रास क्या खा रहे हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं तो यू नो इमोशनल ईटर्स जिन्हें कहते हैं, बस कुछ सोच रहे हैं और खा रहे हैं, सिर्फ ये आपके एक साइकोलॉजिकल बैकअप माइंड में चीजें चल रही होती हैं और कुछ भी नहीं होता। और अभी भी स्टिल आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, अपनी मोटिवेशन को हाई रखें। अगेन मैं वो चीज़ें यहाँ पे शेयर करती हूँ जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। एक 63 इयर्स की आंटी ने अपना 63 इयर्स की एज में अपना 25-30 केजी वेट लूज किया और उसके बाद हमें ट्रीट भी खिलाई। वाह जबरदस्त, ये मोटिवेशन है। मैं भी ट्रीट जरूर दूंगी आपको। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं अपने लिए, प्लीज फॉर गॉड सेक 30 मिनट्स 24 आवर्स में अपने लिए। मैं तो अपनी फ्रेंड जो मुझे वो एक्सक्यूजेस दे रही होती है तो मैं उसे कहती हूँ कि ये एक्सक्यूजेस मुझे ना दो। अगर आप कुकिंग भी कर रही है सो वॉट, आप वहीं पे जॉगिंग। अच्छा मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूंगी कि माशाल्लाह, एक तो आप जो है ब्लेस्ड हैं, ठीक है, यू नो गॉड गिफ्टेड भी कोई चीज़ होती है। मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ, अभी तक उन्होंने जो है मतलब 3 बच्चों के बाद भी वेट गेन नहीं किया है। हाँ। तो कुछ तो गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन जो आपने हम मसाइल शेयर किए, मैं यहाँ पे कितनी सी बात बताऊं, मेरा जब सेकंड बेबी हुआ तो उसके बाद मैंने, जैसे ही वो हुआ तो मुझे भी इस तरह की फीलिंग्स, जैसे बीपी ड्रॉप हो रहा है ना, तो मैंने काफ़ी दूध में ड्राई नट्स, ड्राई फ्रूट्स डाल के पीना शुरू कर दिया और देसी घी का पराठा। तो नहीं, मैंने फौरन वॉच किया कि नहीं आई एम पुटिंग ऑन वेट, वहीं पे मैंने स्टॉप लगाया और अपनी वॉक शुरू की ग्रेजुअली, फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस। और ये होता है कि डिलीवरी के बाद अगर आप पानी कम स्मॉल सिप्स में पिए तो आपका पेट जो है अपनी जगह पे वापस आ जाता है। और सिर्फ सी सेक्शन में, वो भी जो जिस जगह पे आपके कट लगता है सिर्फ वहाँ पे एक फ्लैप सा बनता है, लेकिन वो लोग भी अक्सर कॉन्शियस हो जाते हैं कि जी सी सेक्शन हो गया तो आपका पेट कम नहीं होगा। होता जरूर है लेकिन थोड़ा सा रहता है, जी। तो ये रीजन। अच्छा यहाँ पे जितनी मैरिड खवातीन बैठी है, आपसे आपके सारे सवालों के हम जवाब देंगे। आपका दुख जो है मुझे, मेरी मदर भी हेल्दी थी, आगे से मैं भी हेल्दी हूँ, आगे से मेरी बेटी बैठी हुई है वो भी हेल्दी है। मेरी बहन बड़ी बेटी देखे मुझे बारी है, बेटी का क्यों नाम लिया। इस चीज से बड़ा दुख में हो जाती हूँ। चलो मैंने तो जैसे जैसे वक्त गुजार लिया, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी, अभी देखिए आज का स्मार्ट कार रिवाज है। ये क्या बात की आपने, जैसे जैसे वक्त गुजार लिया, बहुत उम्र पड़ी है, अभी स्मार्ट इनहेरिटेंस भी इतनी नहीं होती। मेरी अपनी बड़ी बहन बहुत ज्यादा हैवी है क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करती,
खाने की सोच रही बेटियां अपनी बहनें जरूर पूछूं क्यों उनके मोटापे जो है यहाँ पे जाहिर करी। वो सॉफ्ट ड्रिंक्स इतनी पीती है, चॉकलेट्स खाती है, तो अगर आप लेट के भी है ना अगर तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं लेटती हूँ ना तो जबकि मैं मतलब टांगों से भी करती रहती हूँ, हाथ से भी करती हूँ, आप एक प्रॉपर अपना टाइम आपकी भी बेटी मुझे लगता है आप किस्तों में एक्सरसाइज करती है, किस्तों में करती है ना कि जब टीवी देखें तो मतलब दोपहर के टाइम जब मैं सोती हूँ एसी टाइम करती है रोज दोपहर के टाइम जब मैं सोती हूँ एसी चला के मैं थोड़ी सी टांगे हिला लेती हूँ। अच्छा, तो मेरा वेट कम हो जाता है। अब जो आप हम सेगमेंट कराएंगे आप एक्सरसाइज देखिएगा और उसी को आप ड्यूरेशन को बढ़ा लीजिएगा। हमारा टाइम थोड़ा कम होता है, वही एक्सरसाइज आप रिपीट करके तो वो फॉलो कीजिएगा। जो है आपको पूरा फिटनेस प्लान देने वाली है मेरी दोनों बहुत बहुत प्यारी सी सहेलियाँ जो यहाँ पर। हमने डिटॉक्स करवाया था आपको याद होगा, डिटॉक्स। प्लीज आप बैठ जाइए है ना, आज हम भी बैठ जाते हैं। आपने जो हमसे यहाँ पर मसाइल शेयर किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसी मजाक में हमेशा कहती हूँ कि साथ साथ चलता रहता है, लेकिन जो इन्होंने यहाँ पर प्रॉब्लम शेयर की कि बच्चे हो जाना, मिसकैरेज हो जाना, घर के काम इतने ज़्यादा होना, अगर आप एक वर्किंग वूमन है और आपके 3 बच्चे भी हैं तो जब आप वापस आती हैं आपके पास इतना टाइम नहीं होता, स्पेशली जब आपको भूख लगी और आपको नट्स खाने हो और थोड़ी सी जो है इतनी सी चीज़ इधर इतनी इधर, तो आपको होता है मैं जल्दी से जो है अपना पेट भरूँ उसके बाद मैं वापस काम पर लग जाऊँ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत और हर चीज़ का एक अलग अलग वो है। आपने जो सवाल पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी फैमिली में रन करता है और आपकी बेटी काफ़ी छोटी, कितने साल की है? 10 साल की इनकी बेटी है इस वक्त। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, बहुत उम्र पड़ी है आपको, ऐसे हम स्लिम स्मार्ट कर देंगे। तो हकीम साहब मुझे बताइए कि जो फैमिली में रन करता है मोटापा, इसके लिए क्या किया जाए? ये बहुत कम ऐसा होता है कि फैमिली में रन करे, जैसे अभी इन्होंने बताया कि इनकी बड़ी बहन बड़ी बल्की हैं और ये खुद स्लिम स्मार्ट है, तो डाइट को बस कंट्रोल कर रहे हैं। इनको फ्राइड चीजें बंद कर दें, इनके नान शान बंद करें, जो मैंने पहले बताया, ये सारी चीजें बंद करें, इनको फ्रूट दें, सब्जियां दें इनको। मैं एक एक जो है इससे पहले कि हम इन्हें मशवरा दें, मैंने इनसे पूछा, मुझे बताएं आपकी बेटी दिन में क्या खाती है? सच्ची से बता, मैं झूठ वैसे भी नहीं बोलती कि मेरी बेटी सुबह नाश्ता नहीं करती, उसके बाद मैं से लंच देती हूँ। ये मुझे कहती है कि मुझे पास्ता दे दें, मुझे पिज्ज़ा दे दें, मैंने नगेट्स लेके जाने हैं, मैंने चिप्स लेके जाने। अगर मैं इसे कह दूं कि तुम ये छोटा सा फुल्का है इसके ऊपर कोई चीज़ ले लो या कोई सालन है या एक बोटी डाल के ले जाओ, या वो कहती नहीं, मेरी इंसल्ट होती है कि मैं लंच कैसे खोलूंगी, मैं नहीं खोलूंगी मामा मैं, और अगर मैं इसको दे भी दूं तो ये वापस ले ऐसे ही ले आती है। अच्छा, फिर जब ये घर आती है तो फिर इसे मैं कहूँ, अगर क्योंकि हमारी मेरी एक ही बेटी है और बहुत अरसे के बाद ये हुई है, तो इसके अपने फादर की भी बहुत लाड लिया, अगर मैं इसे अवॉइड भी करवाऊँ ना तो ये अपने फादर को कहेगी कि पापा मुझे ये चीज़ लेनी है ना, तो फिर वहाँ से दूसरे रास्ते से पापा इसको मुख्तलिफ चीज़ें सही ले देते। तो मतलब अभी तक आपने मुझे बताया कि नाश्ता ये करती नहीं, उसके बाद लंच में नगेट्स या पिज्जा या कोई बेकरी की आइटम जो है जी, इसको बहुत पसंद है। ठीक है, फिर खाना क्या होता है वापस? खाना आके कभी ये ले लेती है, कभी ये नहीं खाती। और फिर रात को फिर जब मैं, क्योंकि मैंने सर्वेंट रखी हुई, अगर मैं खुद देखूँ तो फिर मैं इसको बहुत लिमिटेड देती हूँ। अच्छा, तो अगर वो देखे, अगर वो डाल के दे से तो वो काफी सारा उससे जबरदस्ती में इसने काफी सारा ले लिया। अब ये जरा मैं ना यही कहानी जरा बेटी की जुबानी सुनूंगी। जी बेटा मुझे बताइए फेवरेट फूड कौन सा आपका, बता दो कोई बात नहीं, यही उम्र है। पिज्जा, पिज्जा फेवरेट फूड है। और मम्मी से लड़ते हो कि मुझे क्या लेके जाना है लंच में? क्या क्या लंच में क्या पसंद है? नगेट्स। नगेट्स, ठीक है। अच्छा, पिज्जा नगेट्स, और आपने जो है इनकी डाइट सुन ली। अब मुझे बताएं हकीम साहब कि ये कहां कहां पर क्या गलती कर रही है? सारी सुबह से शाम तक सब गलती कर रही है। देखा, सबसे पहली गलती तो मैं बता सकती हूँ, बाकी आप एक्सपर्ट्स बताएंगे। आप ब्रेकफास्ट नहीं करती हैं? जी जी, बताइए जरा इन्हें डॉक्टर हबीबा, आप बताइए ब्रेकफास्ट ना करने से क्या होता है? नाश्ता ना करना तो खुद एक रीजन है जिससे कि वेट गेन होता है। वेट गेन होता है। अच्छा, तो जब हम रीजन देखते हैं मोटापे की तो एक रीजन है ही ये। नाश्ता जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट मील है दिन का, सबसे अच्छा और कह लें कि सबसे न्यूट्रिशियस मील जो है वो होना चाहिए नाश्ता। ठीक है, और सबसे हैवी मील भी, अगर आपने कुछ हैवी खाना है, और हैवी का मतलब है हेल्दी, ये मतलब नहीं है चार मक्खन वाले पराठे जो है आपने खा लिए, तो अगर आप सबसे हेल्दी मील भी खाना है तो आपने सुबह खाना है, क्योंकि आप ये सोचें कि ये गाड़ी है, आपने सुबह सुबह उसके अंदर फ्यूल डाला है और पूरा दिन जो आपको एनर्जी मिलती है वो आपके नाश्ते से आपको मिलती है। रात को अगर आप इतना ढेर सारा खाना खाएंगे उसके बाद आपने सो जाना है तो वो कहीं मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो चर्बी बन जाएगा। टाइम एक छोटी सी ब्रेकअप, ब्रेक के बाद हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं जिससे 1 महीने में आप लूज करेंगे 5 kg, तो कहीं भी मत जाइएगा।
मेक द मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। आपसे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ में शेयर करती जाऊँ जिसके ऊपर वैसे एहतजाज तो विमेन राइट्स का हो रहा है और डिस्क्रिमिनेशन का हो रहा है, लेकिन मिस्र में, इजिप्ट में जो है 8 एंकर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो ओवरवेट है इस वजह से। और आज मैं अपने डिफेंस में भी एक बात आपको बता दी, चलो ये देखें, ये एक एंकर है जिन्हें कहा गया है कि आपका वेट जो है वो टीवी स्क्रीन के लिए बहुत ज़्यादा है। हालांकि हम अरब कोई भी चैनल लगा लें, कोई टीवी देख लें, कोई ड्रामा देख लें, तो उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो चबी खवातीन ही होती हैं, बिल्कुल स्किनी खवातीन जो हैं वैसे वो नहीं होती। ये बेचारी तो बिल्कुल भी ओवरवेट नहीं है, इनके साथ तो वाकई जुल्म हुआ है। पर 8 जो है खवातीन उनको जो है वार्निंग दे दी गई है और उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और इसकी वजह से जो है मिस्र में इस वक्त एहतजाज चल रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये ओपन डिस्क्रिमिनेशन है। आप टेलीविजन स्क्रीन पे जो है उनके दिमाग की वजह से उन्हें एम्प्लॉय करें, उनके पेरेंट्स की वजह से ना करें, लेकिन देखें कहां कहां पर जो है मोटापा रुकावट बनता है आपके उसमें। और वैसे भी जो है स्क्रीन्स आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना पड़ता है जो भी लोग स्क्रीन पे आते हैं, क्योंकि 5 to 10 pounds जो है वो आपका कैमरा आप पे पुट ऑन करता है स्क्रीन पर भी। तो मैं ज़्यादा पतली हूँ इससे जितनी मैं आपको नजर आ रही हूँ इस वक्त। इससे मुझे लोग कह रहे होते हैं तो मैंने कहा नहीं शी स्किन है यार। देखा देखा ऐसा ही है, जो भी मुझे असल में जस्टिफाई कर रही हूं। इतनी आप छोटी हैं स्क्रीन पर, आप वैसे इतनी मोटी लगती है। ऐसे ही बात ज्यादा वो हो जाती हूँ कि यार मैं तो इतनी ज्यादा तो नहीं हूँ जितनी नजर स्क्रीन वैसे भी। तो फिर लेकिन इन एंकर्स के साथ जो हुआ है ये आई वुड पर्सनली कंडेम इट टू, बट ऐसा कुछ आपके साथ ना हो इसलिए हम आपको समझाएंगे। मैंने हिना आपको समझाएगी कि क्या है। देखिए कुछ भी ये मोटापा आपकी पर्सनालिटी को तो डैमेज करता है। जैसे मैं बहुत सारी खवातीन होती हैं डिज़ाइनर ड्रेसेस ले रही होती हैं, मैं उनको कहती हूँ अगर आप एक डिज़ाइनर ड्रेस को छोड़ के वही आप जिम में फी पे कर दें या अपने ऊपर स्पेंड कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आप यू लुक मोर ब्यूटीफुल। बिल्कुल राइट सही है। अच्छा ये फर्स्ट पिक्चर हम देखते हैं, दिस इज नॉर्मल वेट एंड BMI स्टैंड फॉर योर बॉडी मास इंडेक्स इज योर मसल मास। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम कार्डियो एक्सरसाइज करें तो हमें अपना मसल मास को मेंटेन रिटेन करना चाहिए। वो कैसे आपकी जो वेट ट्रेनिंग है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसके साथ और आपकी प्रोटीन डाइट के साथ राइट। और एक होता है इसमें जरा आप भी हैं जरूरत तो आपको इसमें फैट नहीं दिया हुआ खाना कम करने की, हम कुछ सिखा सकते हैं आपको। एक इक्विपमेंट होता है जी आप उस साइड पे आ जाए। अच्छा जी ये क्या हम दिखा ये रहे हैं? फैट नहीं दिया हुआ था एक अच्छा। एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है उससे हम अपना बॉडी मास इंडेक्स जैसा नॉर्मल निकल आता है और आपका फैट जो नॉर्मल है वो 25 to 27 होता है नॉर्मल ठीक है। इस अगर इससे ऊपर है इसको जरा प्लीज सेट कर लीजिए, कोई बात नहीं हो जाता है क्लास में ऐसा जी। अगर आप इससे ज्यादा है तो फिर आपको फोकस अपने फैट्स को करना होगा कि आपकी बॉडी में इतना 25 to 27% फैट नॉर्मल होना चाहिए और आपका बॉडी मास इंडेक्स इससे ऊपर है तो फिर आपको एक्सरसाइज से कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा ये नॉर्मल वेट है। अब अच्छा हम यूजुअली पाउंड्स में वेट नहीं करते, हम केजीज में करते हैं। तो 1 kg कितने पाउंड होता होगा? 1 point something, 1.8 like this. ठीक है सही। अच्छा अगर ये नॉर्मल पिक्चर को हम देखें, अगर हम इसको फोकस करें ठीक है, ये नॉर्मल है। अच्छा लोगों को यहीं से अलार्म हो जाना चाहिए कि आपका वेट जो है ये सेकंड पिक्चर में अगर देखें तो ये आप अपना वेट पुट ऑन करें। अच्छा पहले मैं जरा एक सेकंड से पिक्चर समझना चाहूंगी। ये एक नॉर्मल खातून है जितना उनका वेट होना चाहिए, फिर ये मोटी होती जा रही है। ओवरवेट देन ओबीस क्लास 1 क्लास 2 एंड देन सिवियरली ओबीस। सिवियरली ओबीस यहां पर आके तो फिर जो है सारे काम खराब हो गए। इसलिए मैंने पहले कहा कि आपको यहीं पे अलार्म हो जाना चाहिए। सेकंड वाली पिक्चर में आपको खुद पता होना चाहिए, आपके ड्रेसेस से पता चल जाता है वेरी सिंपल कि आप वेट पुट ऑन करें। वहीं पे अगर आप कॉन्शियस हो जाएं और अपनी डाइट कंट्रोल कर लें तो आप इतना अच्छा यहाँ पर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे हमारे फॉर्मूलाज इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी आप पे असर होगा। यहाँ पे और कम और कम और कम और यहाँ पर कोई असर नहीं होगा। अगर बहुत जो है टाइम लगेगा बहुत टाइम लगेगा लाइक 1 year हो जाएगा। ओवरनाइट देखें कोई भी चीज मैजिक नहीं है कि ओवरनाइट आपका हो जाए, ग्रेजुअली होगा। इस स्टेज पे तो बहुत आपको साल भी लग सकता है लेकिन आप गिव अप नहीं करें, अपनी वाइट को अपनी डाइट को वॉच करते रहें और अपनी एक्सरसाइज को वॉच करते रहें। अच्छा ये क्या है अगर हम ये भी एक्सप्लेन करें तो ये एक बेबी बॉय लाइक टीनेजर बॉय लाइक ही लुक्स लाइक 14-15 आई गेस प्रोबेबली। अब इन्होंने कहीं पे अपनी डाइट में बंक मारा है, यहाँ पे ही वाज क्वाइट नॉर्मल इस पिक्चर में
दिस इज अ नॉर्मल पिक्चर, ये स्किनी नहीं है बच्चे, ये ही इज अ नॉर्मल चाइल्ड. यहाँ पे आप देखें ये एब्स के पास लार्ज मसल है. अगेन मैं बताती रही हूँ अपने प्रोग्राम से यहाँ से इसने स्टार्ट करना शुरू किया. बाकी फिगर आप अगर हम इन बच्चे का सिर्फ पेट ही पेट है जा रहा है, जितने इसके अंदर बर्गर जा रहे हैं, जितने नगेट्स जा रहे हैं और उसके ऊपर जा रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स उसके साथ ऐड करना और फिर पानी के ग्लास पे ग्लास. ये सबसे मेन चीज आपका बेली आउट होना जो है कि आप खाने के ऊपर पानी पीते हैं. खाने के बाद आप ग्रीन टी पिए और उसके कोई घंटे दो घंटे बाद आप पानी पिए और वो भी आधा ग्लास पानी और फिर ग्रेजुअली पीते जाएं. मतलब हम पानी पीने से मना नहीं कर रहे. अच्छा ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी लोग क्या करते हैं, पानी पीते जाते हैं. आप स्मॉल सिप अगर एक्सरसाइज करें तो आप स्मॉल सिप्स जितने लेंगे आपका वेट जो है वो कंट्रोल रहेगा और आपका टमी भी कंट्रोल रहेगा. एक दो देसी नुस्खे मैं बताना चाहती हूँ. जरूर जरूर. जो लेडीज को स्वेलिंग भी हो जाती है लो एब में वो ये कि अगर आप ओवरनाइट थोड़ी सी कलवंजी, जीरा, इस्पगोल और अजवाइन, ये चार चीजें आप चुटकी चुटकी लेके पिंच यानी आप एक ग्लास पानी में डाल के और उसको कवर करके रख दें और सुबह निहार मुंह वो पी लें. एक ये चीज है. दूसरा हमने जब डिटॉक्स में मैंने आपको स्मूदीज बनाना बताया था कि एक पानी का आप जग ले लें, उसमें आप एक टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर, मिंट लीव्स आप उसमें ऐड कर लें यानी पुदीने के पत्ते और सौंफ और लेमन के हाफ लेमन आप उसमें, वो ड्रिंक आप पूरे दिन में पिए तो उससे भी आपका पेट जो है वो कम रहेगा. कम रहेगा बिल्कुल जी. अच्छा वो एक और चार्ट जो है वो भी हमें डिस्कस करना है. जी श्योर. अच्छा ठीक है. मैं वो भी आपको आज जो है हम हर तो तरह के बेहतर ये है कि आप ये फर्स्ट से सेकंड स्टेज पे अपने आप को बॉडी को अलार्म कर लें और कॉन्शियस हो जाएं और अपने वेट को ज्यादा जरा हेल्प करेंगे आप. श्योर श्योर. थैंक यू वेरी मच जी. ये क्या है? ये अगेन नॉर्मल वेट और अलोंग विद द एजेस ये वुमेन है. वुमेन की एक एज नॉर्मल में ठीक है जी. अब अच्छा वुमेन क्या है, अगेन वही एशियन वुमेन का वही प्रॉब्लम. ये आपका लोअर लैट इस वक्त मुझे इस तरह का होना चाहिए ना, बिकॉज़ एज के मुताबिक आप हैं. यू आर आई हैव टू बी लाइक दैट. यू आर हम सब उतने ही होने चाहिए. अब देखें ग्रेजुअली काम कहाँ से खराब हो रहा है यहाँ से अगर आप इसको फोकस करें. ठीक है एशियन बॉडी जी एग्जाम्पल है. और यहाँ मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकती, फैक्ट बता रही हूँ कि ये लोअर लैट जो होता है ना आपका ओब्लीग्स और ये बहुत मुश्किल से लेकिन चला जाता है लेकिन इस पर टाइम लगता है तो इसको तो बढ़ने ही ना दें. और अगेन मोटापे के एक रीजन जैसे हकीम साहब ने बताया था कि फारिग बैठना इस सबसे बड़ी रीजन. आप जो लोग बैठे बैठे टीवी देखते हैं, चलते फिरते आप काम मूवमेंट अपनी बॉडी की अगर बैठे तो मैं ये कहूंगी कि पोस्चर ऐसे ना रखें, थोड़ा सा यूं हो जाए सोफे पे ऐसे थोड़ी हिलते जुलते हिलते जुलते रहे. मतलब एक ही तरफ वेट आप देंगे तो फिर आपकी साइड्स बाहर आ जाती हैं. तो फिर अगेन ये देखें ये तो फिर आपका जल्दी कंट्रोल हो जाएगा. हाँ इसमें आपकी पर ये जो है ग्रेजुअली आप पुट ऑन करते जा रहे हो और अगर आप देखें तो आपका जो लोअर बॉडी है उसको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर हम मेन में बात करें तो मोटापे से छोटे भी होते जा रहे हैं. ये क्या हो रहा है इनके साथ? छोटे नहीं है, ये जितना वो मोटे होते जा रहे हैं उतना वो छोटे होते जा रहे हैं ग्रेजुअली. अच्छा यहाँ पे मेन के अंदर भी ये कि 18 की एज में नॉर्मल है और इनके मेन में ज्यादा ये होता है प्रॉब्लम कि उनका पेट, मैंने देखा है कि आपके अपर जो मसल्स हैं वो मेंटेन रहते हैं लेकिन आपका पेट अगेन वो वही चीज है. अगर आप एक्स्ट्रास भी कट डाउन कर देना, आपके नान हो गए, आपका वाइट फ्लोर हो गया, आपकी कुछ लोग अल्कोहलिक ड्रिंक्स के एडिक्टेड होते हैं वो ड्रग्स ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं ड्यू टू हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे बताना पड़ा है तो नॉर्मल ईटिंग में आता ही नहीं है सब कुछ. हम नॉर्मल खाने की भी अनहेल्दी बात करते हैं तो बेसिकली द की टू ऑल ऑफ दिस इज कि आपने अपना खाना भी मेंटेन करना है, साथ में एक्सरसाइज भी साथ साथ करनी है और जैसे ही आपको हल्का सा वेट पुट ऑन करना सेकंड पिक्चर पे यस तो यहीं पे आप अपने आप को अलार्म करें कि मैं ही और शी वेट पुट ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो यहीं पे अगर आप अलार्म कर लेंगे तो बहुत आपके लिए जल्दी हो जाएगा. ठीक है प्लीज हम सब जो है तशरीफ फरमा हो जाते हैं. इसका हम लोगों ने जो है कर लिया है और आई थिंक ये आज मेरी ही ड्यूटी है इसको हटाना है. यहाँ पे हकीम साहब मुझे बताइए जब हम सेकेंड स्टेज पे पहुँचते हैं तो हमने क्या करना है और कौन से फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करने हैं. आपके नुस्खे की बारी जी 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 नुस्खा भी बता दूं मैं जी जी जरूर जरूर. ये चीजें जो मैंने वादे किए हैं सारे ये पीछे चीजें लगी हुई है ना इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ.
अच्छा ठीक है, तो फिर इसको हम अगली ब्रेक में आगे ले आएंगे। डॉक्टर हबीबा, अगर हम आपसे इस बारे में बात करते हैं, जो सेकंड वाली स्टेज थी जहाँ पे लोअर बॉडी पे जो है गेन होना शुरू कर दिया, तो आपने कौन सी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जो कट डाउन कर देनी है? देखें सुंदर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वेट गेन स्टार्ट कर रहे हैं ना, वहीं पे अपने आप को रोकें। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने मेंशन किया, बिकॉज़ कि जब आप गेन कर रहे हैं तो वो भी आपने ओवर द नाइट नहीं किया, इसी तरह से आप लूज भी ओवर द नाइट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप स्टार्ट ही में अपने आप को रोक लेते हैं, आपने एक तो चिकनाई वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें, सैचुरेटेड फैट्स जो कि जैसे कि मक्खन है या मार्जरीन वगैरह, इस टाइप की चीज़ें नहीं खानी हैं। इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा जो रेड मीट है या बीफ है, उसकी जगह आप वाइट मीट पे आ जाएं, यानी फिश पे आ जाएं, ये बहुत अच्छा होगा। इस तरह से मिल्क जो है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मिल्क जो है ये वेट गेन करता है, तो उसमें आप जो है स्किम मिल्क यूज़ करें, लो फैट जो मिल्क होता है वो यूज़ करें। लेकिन मिल्क जो है वो क्या करता है कि आपका वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जब आप लो फैट या स्किम मिल्क यूज़ करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, खासतौर पर जब हम एब्डोमिनल फैट की बात करते हैं या बेली फैट की बात करते हैं, तो उसमें योगर्ट जो है, जो भी लेटेस्ट रिसर्च है, लो फैट योगर्ट मगर होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कि अगर हम एक बोल जो है वो योगर्ट का ले लें, तो वो जो है बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी तरह से जो है वो ये चीज़ होगी कि हम फ्रूट्स को ऐड करें, जैसे अभी तो सीज़न नहीं है वाटरमेलन का, लेकिन वेट रिड्यूस करने के लिए जब भी वाटरमेलन सीज़न में हो तो बहुत अच्छा फ्रूट है। आजकल जो फ्रूट्स हैं उनमें खुबानी है, आड़ू है, ये बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं, सेब है, ये वेट रिडक्शन के लिए बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल्स जो भी हैं वो लोग इन कैलोरीज हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़रा आलू है जैसे, उसका इस्तेमाल ज़रा कम रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक है, साग होता है, इस टाइप की जो वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली जब सीजन में हो, ये बहुत अच्छी वेजिटेबल्स हैं वेट को रिड्यूस करने के लिए। स्पिनिच सूप बहुत अच्छा है, वो इस्तेमाल किया जी जी जी। जब जिसका वेट गेन होना शुरू हो जाए, उसको फौरी तौर पे हार्मोन्स का भी इशू देखना चाहिए कि वो शुरू हो जाता है, उसकी वजह से होता है, उसकी वजह से होना शुरू हो जाता है ना, जब हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो उसकी वजह से बस होता है। फिर ये भी देखना चाहिए ऐसी खवातीन को, उनका मंथली साइकिल ठीक है, प्रॉपर है, वो भी देखना चाहिए। तो जैसे मैंने एक दफा बताया था कि सोया मिल्क का रुझान इधर हमारे मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत पिया जाता है वो, तो कम से कम एक कप सोया मिल्क का डेली पी लिया जाए। अगर आपको वो ज्यादा महंगा लगता है, मार्केट से बना हुआ मिलता है, तो आप सोया बीन ले लें, उसको बारीक पाउडर कर लें और उसको मलमल कपड़े में मजीद उसको बारीक निकाल लें, एक टीस्पून एक कप गर्म पानी में मिक्स करें और वो सोया मिल्क आपका, अच्छा वो खवातीन के हार्मोन इश्यूज और जितने भी चीजें हैं उन सबको महफूज रखेगा वो। ठीक है, जबरदस्त टाइम। एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको जो है हम ये सारी चीजें भी समझाएंगे। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, अभी हकीम साहब हमें बताएंगे जो फॉर्मूला है वेट लूज करने का विद इन वन मंथ, 5 kg एक मंथ, 5 kg इन मंथ। लिख लीजिए, अपने पेन निकाल लें या फिर रिकॉर्डर्स निकाल लें, ताकि आप मतलब यूँ समझ लें कि ये एक महीना इस्तेमाल करेंगे तो जो कम अज कम जो वजन कम होगा वो 12 pounds तकरीबन 5 kg के लगभग हो जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा भी कम हो सकता है लेकिन इतना जरूर रहेगा। ठीक है, ये एक चीज है तुरबत सफेद, तुरबत सफेद, इसके नाम जरा क्लोज दिखा दीजिएगा, तुरबत सफेद, ये सौंफ, ये नुशादर, ये सूंड, जीरा स्या, मलट्ठी, पुदीना, दारचीनी, काला नमक और इलायची कलाम, बड़ी इलायची, ये कासनी, लख मकसोल, काली हरीड़, सना मक्की और अजवाइन। इसमें बाकी सब चीजें आपने 100 grams ईच लेनी है, लेकिन नुशादर 50 grams और सूंड 50 grams और काला नमक 10 grams, ठीक है, इन सब चीजों का बारीक पीस के इकट्ठा मिला के रख लेना। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि चीजें साफ सुथरी लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो फिर एक टीस्पून सुबह और एक टीस्पून रात को, दो टाइम लेनी है ये, दो टाइम, ठीक है। और इसके बाद एक सब्जियों का मशरूब एक बनाना है। अच्छा, ये वेजिटेबल है, ठीक है। असल में इस पे ना मैंने बहुत काम किया हुआ है, कुछ 4-5 साल रिसर्च के बाद ये इन चीजों को सारा वो किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये आपको जितने भी हम यहाँ पे चीजें बता रहे हैं ये प्रूवन फॉर्मूला है। ये सब्जियों का एक मशरूब बनाना है, इसमें 10 tomatoes लेने हैं बड़े साइज के, ठीक है, 2 shimla mirch दरमियाने साइज की, 1 hari mirch बड़े साइज की, 1 bandh gobi का फूल बड़े साइज का। अच्छा, प्याज ये वाले गलत रखे हैं, वो प्याज वो दूसरे रखने थे हमने, वो लंबे वाले स्प्रिंग हरा प्याज, स्प्रिंग अनियन, ठीक है, हरा प्याज, ठीक है, सही, पर 8 hara pyaz ये आप बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं। ये भी डाल सकते हैं अगर वो ना मिले, ये छोटे साइज के 8 pyaz ले लें, मतलब इससे भी ज्यादा छोटा साइज होता था, ठीक है, या ये वाले 4 डाले जा सकते हैं इस साइज के, ठीक है। और 3 डंडियां हरे धनिया की, गुमा पत्तों के,
ठीक है, इन सब चीजों को 8 लीटर पानी में बॉयल करना है, 8 लीटर पानी में, और 4 चम्मच इसमें डाल दें अजवाइन के, जब पानी बॉयल करें तो। जब ये 5 लीटर रह जाएगा तो उसको फिल्टर कर लें, फिल्टर करके उसको बॉटल में रख लें, अगर घर पे आप रहते हो तो फिर आप घर पे देश के में बड़ा रहे। ठीक है, ये पानी 5 लीटर सुबह से लेके शाम तक खत्म करना है। अच्छा, होता ये है कि इससे तो फैट्स निकलेगी। ठीक है, फैट्स निकलेगी तभी जब आप पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे और साथ में वो यूरिन के साथ वो खारिज हो जाएगी फैट्स। अच्छा ठीक है, तो ये साथ सब्जियों का मशरूब लेना है, साथ ये सब्जियों का मशरूब जो आप सारा दिन पियेंगे इसके साथ थोड़ी सी खुराक की चीजें भी हैं, नाश्ता के लेना है, लंच के लेना है, डिनर के लेना, वो भी बताते हैं अभी। ठीक है, तो इसमें बॉडी को सारे मिनरल मिलेंगे, सारे विटामिन मिलेंगे। ठीक है, मतलब आपको वीकनेस फील नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बास खवातीन का मैंने देखा वो आगे बताती हैं कि सर मैंने तो 30 पाउंड लूज कर लिया है एक महीने में। बिल्कुल, तो जब कट्ठा इतना वजन कम होगा तो वीकनेस होगी। तो ये चीजों को हमने खास मद्देनजर रखा हुआ है कि विटामिन सारे मिलते हैं, विटामिन मिलते रहे और मिनरल सारे बॉडी को मिलते रहे जो बॉडी की डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। तो अभी साथ हम वो डाइट का बता देते हैं कि नाश्ता उसमें क्या लेना है उन्होंने। हम आपको कंप्लीट प्लान बता रहे हैं, आपने सिर्फ यही नहीं, चीनी शुगर तो उन्होंने बिल्कुल नहीं लेनी, मीठी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी उन्होंने। फ्रूट्स, फ्रूट्स में मीठा लिया जा सकता है। ठीक है, अब नाश्ता जो है ना वो एक बड़ा सिंपल सा है, एक बड़े साइज का सेब खा लें। ठीक है, छिलके के साथ खा लें या छिलका उतार के ले लें। ठीक है, एक अमरूद ले लें। ठीक है, एक आड़ू ले लें और थोड़ी सी वो चाय पी सकते हैं आप, एक कप या आधा कप चाय पी सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन साथ में स्लिमिंग मशरूम या जो बनेगा सब्जियों का वो 1-2 ग्लास साथ वो पी लें। अच्छा, ये आपने सुबह बना के रख लेना, ये नाश्ते जो है ये सारा दिन पीना आपने। ठीक है, सही। फिर लंच में कोई भी मौसमी फल खाना है और सेब खा लें, एक अमरूद भी खा जा सकता है, मतलब लो कैलोरीज वाला फ्रूट या सब्जी इस्तेमाल करनी है, मैंगो शेंगो नहीं खाने। फिर स्लिमिंग मशरूम साथ ले लेना, वही जो सब्जियों का जो बनेगा। ठीक है, रात के खाने में 6 माल्टे ले लें, 6 किन्नो खा लें या तरबूज थोड़ा सा ले लें, गर्मा भी लिया जा सकता है, ये सर्दी और गर्मियों दोनों का, हम दोनों के लिए। फिर स्लिमिंग मशरूम जो है ये सारा दिन पीते रहना ताकि 5 लीटर आप तभी जाके वो खत्म कर सकेंगे। फिर दूसरे दिन जो है ना वो दोपहर में आपने कद्दू और खीरा और खरबूजा भी खाया जा सकता है। ठीक है, और स्लिमिंग मशरूम साथ पीना है, मतलब कद्दू को आप जरा हाफ कुक करके ले लें या स्टीम करके ले लें या बॉयल करके जैसे भी ले सकते हैं। चाय जो है वो बगैर चीनी के इस्तेमाल करनी, चीनी का तो एक दाना भी नहीं आपने इस्तेमाल करना थ्रू आउट मंथ, पूरा महीना जो है। फिर रात के खाने में आपने एक बड़े साइज का आलू ले लें और उसमें थोड़ा सा मक्खन लगा लें उसको। अच्छा, बॉयल करके देसी तो, मक्खन। हाँ, तो उसको मक्खन लगा के और रात को आलू एक इस्तेमाल कर लें। दूसरे दिन नाश्ता तो डेली बेसिस पे वही है जो हमने पहले बताया। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे दिन जाके तो आपने हस्बे ख्वाहिश जो सब्जी आपको मौसमी सब्जी अच्छी लगती है उसको स्टीम कर लें या बॉयल कर लें या सैलड के तौर पर वैसे खा लें, फल साथ ले लें, हल्की वर्जिश शुरू कर दें तीसरे दिन से। ठीक है, और फिर स्लिमिंग मशरूम पीते रहना सारा दिन। ठीक है, चौथे दिन आपने लंच में जो है ना वो 3 केले खाने लंच में। ये चीजें हमने उस स्टेज पे रखी हुई है जिस स्टेज पे बॉडी में जो चीजें डेफिशिएंसी पैदा हो रही होती हैं। ठीक है, सही सही। और बगैर मलाई के दूध का 1 ग्लास पीना है। अच्छा, बगैर 3 केले खा के और बगैर मलाई के 1-2। अच्छा, अब इसमें ज्यादा वो चावल नहीं है, रोटी नहीं है, गंदम नहीं है, तो वो जो डाइट प्लान लिखा हुआ मैं दिया करता हूँ उसमें लोग समझते हैं कि फिर हम खाएंगे क्या। तो जब आपको भूख बहुत शिद्दत में लगी होगी ना तो आप ये स्लिमिंग मशरूम के 2 ग्लास पियेंगे तो आपकी फीलिंग ऐसी होंगी जैसे आप अभी लंच करके हटे हैं या अभी डिनर किया आपने, वो जैसे फीलिंग होती है ना, जो है वो भर जाएगा बिल्कुल, उसको सारे बॉडी को सारी चीजें वो मिल जाएंगी। मैं क्योंकि ये सवाल भी करना चाह रही थी, हमारी ऑडियंस ने अभी हमें बताया था कि भूख बहुत लगती है, बार बार भूख लगती है, तो उसका क्या किया जाए, तो ये जो आपने मशरूम बताया है बिल्कुल, ये मशरूम घर में इस्तेमाल करें उनको भूख का एहसास नहीं होगा फिर उसके बाद। ठीक है, सही। अच्छा, 5वें दिन दोपहर को 4 बड़े साइज के टमाटर खाने हैं, जितना मैक्सिमम बड़े साइज का टमाटर मिल जाए। अलबत्त ये देख लेंगे जो लोग वॉक ज्यादा नहीं करते या जिनको किडनी का इशू है तो उसके बीज निकाल दें, बीज जो है ना किडनी में स्टोन पैदा करते हैं। अच्छा, वैसे भी बीज निकाल के जो लोग वॉक करने जाती हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको कोई इशू ऐसा नहीं है। ठीक है, सही। फिर 5वें दिन रात को स्टीम की भी थोड़ी मिकदार में सब्जियां इस्तेमाल कर लें, हल्का सा काला नमक डाल लें या उस पर काली मिर्च डाल लें इस तरह करके। तो उसके बाद फिर 6वें दिन दोपहर को आपने मटन का एक पीस लेना है, 200 ग्राम तक आप ले सकते हैं मटन, उसको हाफ कुक कर लें या फुल कुक भी कर लें, हाफ कुक में ज्यादा बेहतर है। उबली हुई सब्जियां साथ खा लें, थोड़ी सी सब्जियां उबाल के या स्टीम की हुई, और स्लिमिंग मशरूम के 2-3 ग्लास उसके साथ इस्तेमाल करें। रात को थोड़ा सा फ्रूट खाना है आपने 6वें दिन, और कोई चीज नहीं लेनी। 7वें दिन ब्राउन चावल तड़के वाले, प्याज के तड़के वाले जो सादा पुलाव होता है, ब्राउन चावल वो आप थोड़े से खा सकते हैं। ठीक
और ताज़ा फलों का जूस साथ ही लेना है, कोई भी मौसमी जूस जो है, चकोदरे का जूस खास। बड़ी रिग्रेस रूटीन है अगर आप सुन रहे हो तो, रोज आपने एक चीज फॉलो करनी है। फिर रात में सब्जियां बॉईल करके वो इस्तेमाल कर लें, स्टीम की हुई या जैसे भी सब्जियां इस्तेमाल कर लें। फिर आठवें नौवें और दसवें दिन जो है ना, नाश्ता जौ का दलिया, दोपहर खाने में भी जौ का दलिया और रात खाने में भी जौ का दलिया, तीनों दिन आठवें दिन, नौवें दिन और दसवें दिन। और साथ में आप सब्जियां और फल जो भी आपको अच्छा लगे, लो कैलोरीज वाला, वो फल और सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक 150 ग्राम मछली का एक पीस, उसको बहुत कम ऑयल तवे के ऊपर करके ना वो करके, या स्टीम की हुई या ग्रिल की हुई, वो आप मछली इस्तेमाल कर लें। और साथ में आपने तीनों दिन पुदीने की चटनी जो है ना, वो आपने जरूर इस्तेमाल करनी है। अच्छा, सुबह भी कर लें या दोपहर को भी, रात को, दोनों टाइम। और स्लिमिंग मशरूब जो आपने आखिरी ये तीन दिन पीना है, आठवें नौवें दसवें दिन, उसमें हर दफा उसमें थोड़ा सा लेमन जरूर डालना है आपने। ठीक है, ठीक है। और रात के टाइम पे तरबूज या तरबूज का जूस पिया जा सकता है, फ्रूट मौसमी फल जो है, लुगाट, सेब, अमरूद, इसका इस्तेमाल करना है। ये 10 दिन का डाइट प्लान दिया है, सुना है। फिर कौन कौन यहाँ पे कर सकता है फॉलो? जरा 11वें दिन जो है ना, ये शुरू के सिर्फ 3-4 दिन लगेगा मुश्किल, उसके बाद लोगों को जब पता चलेगा ना वजन कम होना शुरू हो गया इतना तेज़, तो फिर वो एंजॉय करेंगे। लोग क्या क्या दवाइयाँ क्या क्या नुस्खे नहीं इस्तेमाल करते? ये 10 दिन का हमने बताया, फिर 11वें दिन फिर इसको डे फर्स्ट से रिपीट करना है। ठीक है, ठीक। तो ये 20 दिन हो जाएंगे, फिर अगले 10 दिन फिर इसको डे फर्स्ट से रिपीट करना है, बस ये करना है। ठीक है, तो आपने 10-10-10 डेज जो है इसको रिपीट करना है, और इतना मुश्किल नहीं है। एक दफा जब आप ये पूरी रूटीन वो कर लेंगे, और इसमें कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं है जो मिले ना घर पे। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा बल्कि होते हैं उनको मैं एक कावा भी चीजें बता दिया करता हूँ, कुछ और भी साथ बता दिया करता हूँ, प्लीज बताएं। तो वो कावा शावा जो पुदीने का, सौंफ का, अजवाइन का, जीरे का कावा, जैसे अभी बता रही थी जो बड़े चैनल ने कमीशन बताया उसका, तो इस तरह के कावे शावे भी दिन में ले लेने चाहिए किसी वक्त। खाली पुदीने का फ्लेवर वाला पानी पिया जा सकता है, उससे ये मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज रहता है। अच्छा डॉक्टर, अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो बच्चे हैं जो 20 होते हैं, अब ये ग्रोइंग एज होती है, तो ये बड़ा डिलेमा है कि आप बच्चों को एकदम डाइट पे नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि आपको इस टाइम पे जो है बहुत सारी चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा भी चाहिए होती है। तो क्या एक इस तरह का डाइट प्लान या इस तरह की कौन सी चीज़ है जो आप इंक्लूड करें ताकि उनकी वो कमी जो है वो पूरी होती रहे? देखिए सुंदर, बच्चों के मामले में अभी जो लेटेस्ट है वो ये है कि अभी आपको पता है 21st century को में एपिडेमिक ऑफ 21st century जो है वो मोटापा है, obesity है। उसकी रीज़न ये है, यही है कि आप देख लें कि बच्चे जो है उनमें भी बहुत ज़्यादा मोटापा जो है वो आ रहा है। उसकी रीज़न चेंज ऑफ लाइफस्टाइल और चेंज ऑफ आवर फूड है, टाइप ऑफ फूड। तो अब उसमें इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चे अगर मोटे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बच्चे मोटे हैं तो ये बहुत सीरियस इशू इसलिए है कि इसका मतलब ये है कि उनको अर्ली डिजीज़ हो जाएंगी, वो रिस्क पे हैं, और इस तरह से खुदा ना खास्ता उनका लाइफ स्पैन जो है वो भी शॉर्ट हो सकता है, और फिर वो स्टडीज़ में भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये सीरियस इशू है, ये नहीं कहना चाहिए कि बच्चे हैं तो कोई बात नहीं अगर वो मोटे हैं। सेकंड ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी रुझान है फास्ट फूड का, तो अभी ये है कि आप कभी कभार पे इसको रखें, इसको जो हमारी ट्रेडिशनल फूड है जैसे सब्जियां हैं, अब बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन अगर शुरू से जो पेरेंट्स उनको आदत डालते हैं तो वो बच्चे खाते हैं, लेकिन अगर शुरू से उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाएगा और शुरू से उनको फ्रेंच फ्राइज़ और चिकन नगेट्स और बर्गर्स और ऐसी चीज़ें दी जाएंगी तो उनका वही टेस्ट डिवेलप हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि शुरू से उनको आदत डालें हमारी जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उन्हीं की तरफ उनको ज्यादा रखें। ये भी आप मुझे बताइएगा कि ऐसी कौन सी सब्जियां हैं, कौन से फल हैं जो जो ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं, जो बच्चों की डेली रूटीन में शामिल होने चाहिए। मेरे पास कुछ क्यूट से वीडियोस हैं, कुछ खाते पीते बच्चों की, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। ये देखिएगा जरा, ये दूध है ना, ये दूध खैर ये तो खैर हेल्दी बच्चा लग रहा है मुझे, क्योंकि सीरियल खा रहा है, ऐसा ही है सीरियल। अच्छा साथ में भी कुछ खाए, ओ अच्छा, ये एज कितनी अच्छी होती है। मैं कहती हूँ इस पर भी हम बात करेंगे कि कौन सी एज है जिसके बाद से आपको कॉन्शियस होना पड़ता है खाने के लिए। ठीक है जी, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 मिनट तक या 4 मिनट तक या जब तक वो खाली नहीं होता खाना खाना छोड़ेंगे। वैसे डॉक्टर बीबा, अगर आपके सामने ऐसा क्यूट सा बच्चा कुछ खा रहा हो, आपकी हिम्मत हो उसे रोकने की? हिम्मत तो नहीं होगी, मैं भी वीडियो ही बनाऊं, पता है मैं भी उसको रोकूं ना, कुछ भी ना, और उफ अल्लाह, अच्छा उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो पूरा का पूरा अब हाथ अब सबको नजर आ रहा है, मुझे फनी लग रहा है।
लेकिन सुंदर से इसमें इम्पोर्टेंट बात है ना कि जिसने उसको ये सब चीजें ला के दी है और फिर उसके बाद वीडियो बनाई है, फिर वीडियो बनाई देखे जरा है, फिर बच्चा बाद में मोटा होगा, फिर इस तरह जिस तरह इन्होंने कहा ना देखे मेरी बेटी भी जो है वो भी मोटी है, फिर इनकी अम्मा भी यही कहेंगी और बस बस भाई उसे उठा उसको और डाल के दिया उसने खाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए इस क्यूट से बच्चे को, इसका पेट भी नहीं भर रहा माशाल्लाह खा खा के। अच्छा आप जो मुझे दूध का कुछ बता रहे थे, दूध और बादाम जो बच्चे यूज करते हैं जिन घरों माए बच्चों को ये दूध और बादाम देंगे उनकी ग्रोथ का कभी कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा ठीक, मतलब बल्कि ये देखेंगे उनकी हाइट आमतौर पर बहुत ज्यादा अच्छी हाइट होगी उनकी। अच्छा मतलब अगर मेल जाएं तो 6 feet तक जाएंगी, खवातीन है तो 5'8" 5'7" 5'9" तक भी जाती हैं। अच्छा, बादाम छिलका उतार के भगो के और उसको दूध में शेक करके सुबह भी दें और शाम भी दें, बच्चों का कभी ग्रोथ का इशू नहीं आएगा। जो बच्चे छोटे कद के रह जाते हैं उनको आमतौर पर देखा गया दूध की तरफ से उनकी वो रह जाती है, या डब्बों का दूध पीते हैं या ये जो मिल्क पैक टाइप चीजें मिलती हैं, तो कोशिश ये करें कि भैंस का दूध मिले और गाय का दूध मिले, और देहातों में तो बकरी का दूध भी बच्चों को दे रहे हैं। हाँ, लेकिन टेस्ट अच्छा उसका जरा मुश्किल होता है, उनका टेस्ट डेवलप हुआ होता है बहरहाल। हाँ। और बल्कि इस्लामाबाद जैसी जगहों पे ये ऊंटनी का दूध मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है, हेल्दी है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। और इस तरह बादाम और दूध का इंटेक अच्छा होगा, बनाना, कैल्शियम की चीजें जो भी डॉक्टर भी बताएंगे काफी चीजें, तो उसमें जरा बोन की डेवलपमेंट होनी है तो कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसी तरह से प्रोटीन्स बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, ये चीज़ें जो है उनके विटामिन ए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, आयरन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि ब्लड फॉर्मेशन हम कंसर्न होगा हमारा कि वो जो है एनीमिक नहीं होना चाहिए चाइल्ड को, या कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, मसल्स वगैरह का जो डेवलपमेंट है, या आयरन जो है, ये सब चीज़ें, विटामिन ए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा मुझे बताइए आप बचपन में मोटे थे? बिल्कुल, देखा मुझे पता था जो बड़े होकर मॉडल्स बन जाते हैं ना उनकी बचपन की बड़ी गोल गोल पिक्चर्स होती हैं, इसी तरह के बच्चे थे जैसे भी हमने देखा सब कुछ खा रहे हो? बहुत हेल्दी बेबी था। अच्छा, बहुत ज्यादा। तो फिर कैसे रिड्यूस किया? अम्मी ने खाना पीना बंद कर दिया सारा? वो तो इतना मुझे याद नहीं है। अच्छा, लेकिन बस आई थिंक मुझे 18-19 इयर्स हो गए मैं ऐसे ही हूँ। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा वेट नहीं बढ़ा मेरा, लेकिन बचपन में तो बहुत बहुत मोटी, बहुत हेल्दी थी। और आप? मैं बल्कि थी, बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग पहले वक्त में तो ऐसा होता था कि 7 बजे तक मैक्सिमम खाना हम लोग डिनर कर लेते थे, लेकिन अब आज के वक्त में ऐसा होता है कि हम लोग 10-11 बजे जाके डिनर करते हैं और फिर उसके बाद तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, तो मेजोरिटी जो है वो जाते ही बेड पे सो जाते हैं, तो वो फिर ऐसा होता है कि हम वो डिनर जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो स्टमक की प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, तो फिर कमी निकलने का सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से रीजन यही है। और ये उन्होंने बहुत अच्छा बात की है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट सफर का है कि 6-7 जो है आप खाना खाएं, उसके बाद आपके पास थोड़े से जो है टाइम होता है जिसमें आप वॉक कर लेते हैं या कुछ हो जाते हैं। वैसे अगर गांव में चले जाएं, गांव की सबसे अच्छी रूटीन होती है फजर के साथ वो उठते हैं, उसी वक्त उनका नाश्ता होता है, 11-12 बजे उनका दिन का खाना होता है, फिर उनकी 4 बजे शाम की चाय होती है, 7 बजे खाना खाते हैं और वो सो जाते हैं, और ये बेस्ट रूटीन है मेटाबॉलिज्म के लिए। अब हम लोगों को मजबूरी है, काम शाम करना होता है, लेट तक हम जागते रहते हैं, लेकिन अगर आप अपने खाने को स्टॉप लगा दें 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद मैंने कुछ हैवी नहीं खाना, तो काफी हद तक जो है आपका वेट मेंटेन हो जाएगा। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल ऐसे ही। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मी इन द मॉर्निंग। हमारे पास टाइम जो है वो कम रह गया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर पाकिस्तानी खातून का जो है ये मसला है वो ये है कि डिलीवरी के बाद जो पेट निकल आता है और वो वापस नहीं ठीक होता, बड़ी मुश्किल से जाता है, उसके लिए बड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो मैं आपको हमारे एक्सपर्ट से जो है सबसे एक एक टिप दूंगी। हकीम साहब, अगर आप बताइए। सबसे पहले तो ये, अगर गर्मियों के मौसम में डिलीवरी हुई है तो ठंडा पानी पीने को दिल जाता है बहुत ज़्यादा, वो खवातीन ठंडा पानी बर्फ का बहुत इस्तेमाल करती हैं। अच्छा। या कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा यूज करती हैं, उससे उनको इज्तनाब करना है। लस्सी कोई भी इस तरह की ना, ठंडी ना, बिल्कुल नहीं। नीम गर्म पानी पिए, उसमें हर पानी में अजवाइन और जीरा जरा सा डाल के उसका फ्लेवर बना के वो पानी इस्तेमाल करें। ठीक है। इसके अलावा अरक मको, अरक काशनी और अरक गुलाब,
इन तीनों का अरकों का एक एक कप, एक का सुबह ले लें, एक का दोपहर में ले लें, एक का रात को ले लें, और पानी नीम गर्म इस्तेमाल करें, और फ्राइड चीजें और बेकरी और नान और मैदा ये चीजें ना बिल्कुल खाएं। इससे ये होगा कि उनका थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो चीज नहीं होगी जो आमतौर पर हो रही है। सही, ठंडे मशरूबात से अवॉइड करना आपने, उससे अवॉइड करना। अच्छा, कहते ये हैं? तीनों अरक, अरक गुलाब, अरक मकोर, अरक कासनी, जबरदस्त चीजें, जबरदस्त चीजें। अच्छा, नमक का कहते हैं रिव्यूअर कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन सॉल्ट का इंटेक हमें हमेशा वैसे ही मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जब हम सॉल्ट यूज़ करते हैं तो वाटर रिटेंशन बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, तो वो सही नहीं है। लेकिन अगर हम बिल्कुल नमक छोड़ देते हैं तो वो भी जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है, यानी वो भी हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो हमने मॉडरेट अमाउंट में जो है वो नमक जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ये जो पेट निकल आता है, जो मोटापा डिलीवरी के बाद होता है, इसके लिए अगर एक तो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप फिजिकली एक्टिव हों। आप ये नहीं कि बस आप सारा वक्त बैठे रहें, ज़रूर एटलीस्ट वॉक से स्टार्ट करें, वॉक करें। इसके अलावा स्विमिंग, जो लोग भी अगर उनको अवेलेबल हो ये फैसिलिटी, तो स्विमिंग इसके लिए बेहद अच्छी एक्सरसाइज है। बाकी ये है कि वॉक की जा सकती है, वो हर कोई कर सकता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि बैली फैट के लिए भी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो लो फैट योगर्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। उसमें थोड़ा सा इसबगोल ऐड कर लें और वो एक मील जो है उसकी जगह आप जो है वो जो है योगर्ट, लो फैट योगर्ट जो है वो एक अच्छा सा बोल बना के ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी आप बेशक थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर लें, चेरीज वगैरह डाल लें, इस तरह की चीज़ें डाल लें, एप्रिकॉट डाल सकते हैं। और इसके अलावा खाना जब खाएं, एक तो ये कि कम अमाउंट में खाएं, स्मॉल मल्टीपल मील्स लें, और खाने के बाद पानी नहीं पिएं, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, उसमें लेमन ज़रूर ऐड करें और शुगर नहीं ऐड करें। शुगर नहीं ऐड करनी जी, है ना। वैसे तो किम साहब और डॉक्टर साहब ने बता दिए, लेकिन पानी का मैं ये कहूँगी कि डिलीवरी के बाद पानी आप नॉर्मल या ल्यूक वार्म वाटर पिए, बल्कि थ्रोट आपकी लाइफ जो है, मैं तो जैसे फ्रिज का पानी पी ही नहीं सकती, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी, इवन सर्दियों में मैं फ्लास्क में गर्म करके रख लेती हूँ और उसमें ऐड कर करके पीती हूँ, क्योंकि चाइनीज को आपने देखा होगा काफी फिट रहते हैं बिकॉज वो नॉर्मल पानी पीते हैं, बहुत ठंडा फ्रिज का पानी नहीं पीते। अगेन जो सेकंड पिक्चर हमने जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, यही वो स्टेप होता है, आपका डेंजर जोन यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है। अगर यहीं पे आप अपने आप को वॉच कर लें और अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें, क्योंकि जो डाइट हकीम साहब ने बताई है, नान बेकरी आइटम्स, वो किसी डिक्शनरी में नहीं है कि ये आपकी हेल्दी फूड है या आपकी हेल्दी डाइट है, सब वो अनहेल्दी डाइट है आपकी। तो अगर कट डाउन एक्स्ट्राज और इन चीजों को ही हम फॉलो कर लें तो मोटापे से बचे रहेंगे, मोटापे से हम बिल्कुल बचे रहेंगे। आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ बिल्कुल छोटी सी, इसके अंदर एक बच्चा है जिसका वेट जो है वो 5 बच्चों के जो है बराबर है और 118 pounds ही होगा केजी, सो आई डोंट थिंक सो ये हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा जो है ये सिर्फ खाने पीने की वजह से इतना मोटा है, लेकिन मकसद मेरा ये है बताने का कि अगर इस एज में आप इतना वेट पुट ऑन कर लेते हैं, तो अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में डॉक्टर हबीबा, अगर आप बताना चाहें कि अल्जाइमर्स का जो है वो भी बहुत अर्ली स्टार्ट होती है, आगे कैंसर या आपकी जितनी भी मेंटल एलिमेंट्स होती है। बिल्कुल, और ऐसे जो बच्चे होते ज़्यादा फिर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं और मेंटल डेवलपमेंट भी इनकी प्रॉपर नहीं हो पाती है, बिकॉज क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो फैट्स हैं, जो फैटी एसिड्स हैं, वो हमारा जो कह लें कि ब्रेन सेल्स हैं उनको भी डैमेज करते हैं, तो इस वजह से, जिसकी वजह से अल्जाइमर्स, जिसमें कि भूल जाना, ये बीमारी, याददाश्त खत्म हो जाना, ये हो जाती है, तो इसलिए ऐसे फिर परफॉर्मेंस स्टडीज में ये लोग पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, हर चीज जो है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मोटापा, जैसे मैंने कहा, और ये इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि हर चीज की, बहुत सारी बीमारियों की जड़ जो है मोटापा है। आज हमने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग जो है टिप्स शेयर किए हैं यहाँ पे, आई होप कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में जो है इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू सो मच माय स्टीम गेस्ट, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ आए, आपने सबसे सब कुछ शेयर किया। थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग महकती मॉर्निंग, यूँ ही हमें प्यार करते रहिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेस्ट, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।